आओ बेटा शुरू करें अपनी आज की क्लास। आइए जी शुरू करते हैं बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए। ईसोप पे हम लोग बात कर रहे थे और ईसोप की हमने लास्ट क्लास में कॉन्सेप्चुअल हमने अंडरस्टैंडिंग की थी। आज हम लोगों की जो बात है वो किसकी बेटे, प्रैक्टिस की बात है। तो फटाफट से हम लोग क्या करेंगे, बिना टाइम वेस्ट किए आज हमें काफी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ईसोप आज हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है, ताकि हम नई क्लास में नया टॉपिक लेके शुरू हो जाए। आइए जी शुरू करते हैं फिर। तो मैंने आपसे लास्ट क्लास में कहा था, क्या कहा था सर आपसे, मैंने ये कहा था कि मैं नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। क्या कराऊंगा? क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो फटाफट से खोलिए बुक को और बुक पे बेटे प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपने निकालने में, पार्ट नंबर टू न्यूमेरिकल, ईसोप वाले, उसमें ईसोप वाले चैप्टर को खोलो बेटे फटाफट से। और देखिए सबसे पहले पहले क्वेश्चन नंबर वन, मैंने आपसे क्या कहा था कि मैं ये पांचों क्वेश्चन क्लास में आपको कराऊंगा। हाँ, लेकिन आपको क्या करना है, आपको इसके बाद वाले जो क्वेश्चंस हैं वो सेल्फ प्रैक्टिस के लिए मैंने दे रखे हैं, सॉल्यूशन वो आपको खुद प्रैक्टिस करना है। सीएस में छोटे छोटे क्वेश्चंस की हमारी एक्सपेक्टेशन रहती है एग्जाम में, तो हम लोग उसी हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे। आइए जी, तो फटाफट से शुरू हो जाइए, क्वेश्चन नंबर वन को पढ़िए पहले। मैं उम्मीद करके बैठा हूं कि बच्चे रिवाइज करके आए हैं कॉन्सेप्ट को। डिटरमाइन द टोटल फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन, डिटरमाइन द फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन। हमें क्या निकालनी है यहां पर, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन, एक्सपेक्टेड टू वेस्ट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिविन बिलो। आइए जी, यानी कि ये जानना चाहते हैं कि ओवरऑल जो खर्चा होगा पूरे के पूरे वेस्टिंग पीरियड के दौरान, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। आइए जी बताओ बेटे, पहले एक काम करते हैं, हम एक हेडिंग डालते हैं। आइए जी हेडिंग डालिए फटाफट से, सॉल्यूशन में सॉल्यूशन नंबर वन, सॉल्यूशन नंबर वन, आंसर नंबर वन। लो जी आंसर नंबर वन। और बेटे क्वेश्चन का ना सबसे बढ़िया तरीका, एग्जाम में क्या शॉर्टकट हम लोग यूज करेंगे, जो मैं आपको यहाँ पे ग्राफ के जरिए बताता हूँ, ये हम लोगों को यूज करना है एग्जाम में। हमें सबसे ज्यादा बेनिफिट देगा शॉर्टकट ये, 1 मिनट के अंदर अंदर हमें या 2 मिनट के अंदर अंदर क्वेश्चन को सोल्व करना है। हो सकता बेटे जब लंबा क्वेश्चन आएगा तो उसके ऊपर 3-4 नंबर के क्वेश्चन होंगे, है ना, लेकिन शॉर्टकट हमारा क्या होगा, वो ये होगा। जैसे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, अच्छा वेस्टिंग पीरियड कितना है इसमें, 3 साल का। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं, 5,000 एम्प्लॉय हैं जी कंपनी में। और हर एम्प्लॉय को क्या ऑप्शन दे रहे हैं जी, कि वो चाहे तो 1,000 शेयर्स खरीद सकते हैं। अच्छा, और वेस्टिंग पीरियड कितना है, मतलब कितने टाइम के अंदर कंडीशंस को सेटिस्फाई करना है जी, 3 साल। और एक्सपेक्टेड एनुअल फॉरफीचर, मतलब एनुअली कितने ऐसे एम्प्लॉयज लग रहे हैं कि जो छोड़ के जाएंगे, बेटे 10%। फेयर वैल्यू पर ऑप्शन क्या है, 5 रुपए। आवाज ही हो गया कम, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं और ड्यूरेशन कितना है, पहले बेटे वेस्टिंग पीरियड का चार्ट बना लो। वेस्टिंग पीरियड के हिसाब से 1, 2 एंड 3, 3 इयर्स इज वेस्टिंग पीरियड। नोट करो जी मेरे साथ साथ में, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बच्चे मेरे साथ साथ में नोट कर रहे हैं। शॉर्ट ट्रिक्स, ये हमारा फर्स्ट ईयर, ये हमारा सेकेंड ईयर, ये हमारा थर्ड ईयर। बेटा नंबर ऑफ एम्प्लॉइज स्टार्टिंग में ऑप्शन ग्रांट की डेट में कितने हैं, फाइव थाउजेंड, कितने 5,000, चेक करो तुम्हारे पास बुक होगी। ऑप्शंस पर एम्प्लॉई कितने हैं बेटा, 1,000। बेटे आगे बढ़ो, एनुअली जो हर साल जाने की एक्सपेक्टेशन है हमारी वो क्या है, 10% की। नेक्स्ट, और क्वेश्चन ने क्या बताया, और क्वेश्चन ने बताया कि जो ये है फेयर वैल्यू, बेटे क्वेश्चन ने मार्केट प्राइस नहीं बताया, क्वेश्चन ने एक्साइज प्राइस नहीं बताया, क्वेश्चन बस एक चीज बता दी कि फेयर वैल्यू क्या है,
ऑप्शन की। एक बार छोटी सी बात याद दिलाऊं आपको, पिछली क्लास में हमने पढ़ी थी क्या सर? मैंने आपसे कहा था कि बेटे दो तरीके हैं यहाँ पे अकाउंटिंग के, क्या है सर? देखो एक है हमारा, कौन कौन से मेथड है अकाउंटिंग के, ये वाले, ये चार्ट खोलो। पहला मेथड है फेयर वैल्यू मेथड, दूसरा मेथड है इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। अगर फेयर वैल्यू दे रखी है तो हम पहले इसको यूज करेंगे, और अगर नहीं दे रखी है तो हम लोग मार्केट प्राइस माइनस एक्सचेंज प्राइस का डिफरेंस लेंगे और वही हमारी फेयर वैल्यू होगी ऑप्शन की। बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ क्वेश्चन हमें फेयर वैल्यू दे रखी है और पूछा भी हमें क्या है फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शंस, जितने भी ऑप्शंस हैं भाई उनकी फेयर वैल्यू आप हमें बता दीजिए, क्वेश्चन ने हमसे ये पूछा है। ठीक है, वापस आते हैं जी। चलिए अब मुझे एक बात और बताओ, यहाँ पर क्वेश्चन जो हमसे पूछा है वो ये पूछा है कि भाई फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन बताओ, तो ये एक ऑप्शन की बात पूछी है कि सभी की पूछी है? ऑफ कोर्स सभी की पूछी है। तो ये तो फेयर वैल्यू पर ऑप्शन तो जो है ₹5 जो है, ये क्वेश्चन में जो दे रखा है ये एक ऑप्शन की वैल्यू दे रखी है। ठीक है जी, देखो जरा फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शंस आप बताइए जो एक्सपेक्टेड टू वेस्ट है, मतलब यहां पर सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, कितने एम्प्लॉइज ऐसे हैं जो यहां पर एक्सपेक्टेड टू रीच हैं, एक्सपेक्टेड टू रीच यहां पर एम्प्लॉइज जो है वो कितने हैं, हमें ये निकालना है पहले। बहुत सिंपल सा तरीका हमने पिछली क्लास में किया था, तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं जी। इसको मैं यहाँ पे नीचे निकाल रहा हूँ, इधर कहाँ पर अलग तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसको ना बहुत तरीके से हमें लेके चलना है क्वेश्चन को। अच्छा सर कैसे, सर बताओ भाई? वो ऐसे, नंबर वन हमने निकाल लिया जी एक्सपेक्टेड टू रीच, एक्सपेक्टेड टू रीच कितने हैं एम्प्लॉइज जिनका हमें लग रहा है कि भाई वहां पे पहुंचेंगे। लो जी भाई 5000 पहले साल में है, कितने हैं 5000 पहले साल के स्टार्टिंग में है, तो इसमें पहले साल में कितने विकेट गिर जाएंगे, फर्स्ट ईयर, ईयर नंबर वन, कितने विकेट गिर जाएंगे जी? सर यहाँ पे 10% गिर जाएंगे, तो भाई 10% कितना होता है जी, 500 होता है जी, 5000 का 10% 500 होता है जी, तो बच कितने जाएंगे फर्स्ट ईयर के एंड में, 4500 बच जाएंगे जी, कितने बच जाएंगे 4500 बच जाएंगे, 5000 में से 500 घटा के आता है 4500। फिर बताओ सेकेंड ईयर में कितना परसेंट जाएगा, सर हर साल का सेम बता रखा है, यानी कि क्वेश्चन ने अलग अलग नहीं बता रखा है यहाँ पे, तो सेकेंड ईयर में 10% किसका होगा, 4500 का होगा जी, तो 4500 का 10% कितना होता है जी, 450। फिर कितने बच जाएंगे जी, 4050 बच जाएंगे जी। अच्छा फिर इसके बाद की बात बताओ जी, इसके बाद की बात बताओ जी, क्या बताएं सर, फिर अगले साल कितना परसेंट है, फिर से जी 10% घटा दो जी, फिर से 10% घटा दो जी, 10% कितना आएगा, 4050। ये बात हो रही है हमारी, ये तो फर्स्ट ईयर की थी, सेकंड ईयर की, अब बात है हमारी थर्ड ईयर की, 10% हमें घटाना है। रुको, 1 2 का 4, 4 2 का 1, ईयर नंबर थर्ड 10%, 405। तो जो फर्स्ट ईयर का एंड, सॉरी थर्ड ईयर का एंड होगा, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग कि कितने लोग वहां पर पहुंचेंगे, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं जी हम लोग कि कितने लोग वहां पर पहुंचेंगे, 10 में से 5 गए बचे 5, कितने, 10 में से 5 गए बचे 5, 4 का 4 बच गया जी, 10 में से 4 गए बचे 6 और 3,645 एम्प्लॉइज के वहां पर पहुंचने की एक्सपेक्टेशन है। इतने एम्प्लॉइज ऐसे हैं जो 3 साल की कंडीशन रुकने वाली सेटिस्फाई करेंगे, वेस्टिंग पीरियड के एंड पे हमें वहां पर मिलेंगे, कितना 3, 6, 4, 5, और हर एम्प्लॉय जो है 1,000 शेयर्स को खरीदने का ऑप्शंस रखता है, हर एम्प्लॉय को दिए जा रहे हैं ऑप्शंस कितने के, 1,000। नेक्स्ट, और बेटे ₹5 पर ऑप्शन की बात है,
5 रुपये पर ऑप्शन क्या है, फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू। तो क्वेश्चन ने जो आपसे पूछा है वो क्या पूछा है जी, क्वेश्चन ने पूछा है बताओ जी बताओ, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शंस एक्सपेक्टेड टू वेस्ट, वेस्टेड कितने ऑप्शंस ऐसे हैं जो वेस्ट हो जाएंगे, मतलब वेस्टेड हो जाएंगे, अधिकार जिनको मिल जाएंगे, तो उनकी फेयर वैल्यू आप हमें बता दीजिए। बेटे मल्टीप्लाई कर लो, 3, 6, 4, 5 मल्टीप्लाई बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 5 रुपीज, तो जी ये कितना हो गया जी, कैलकुलेटर जी कहाँ हो, जल्दी आओ। या क्या जी, 3, 6, 4, 5 बेटा कैलकुलेटर चलाओ, ये मत सोचो कि सर कर रहे हैं हमें नहीं करने की जरूरत, तुम करोगे तुम्हें आएगा, मैं करूंगा मुझे आएगा। बोलो बेटे कितने रुपए, 1822500, ये है जी फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शंस जो हमसे पूछा है। आइए बिना टाइम वेस्ट किए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो सारे बच्चे क्या करेंगे फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, लिखेंगे आंसर नंबर 2। प्रैक्टिस करनी है जी सुपर फास्ट स्पीड से, एग्जाम में बैठे हैं, 1 मिनट का क्वेश्चन आएगा, तो 1 मिनट में हमें इतना टाइम थोड़ा लगाना है, मैं तो आपको सिर्फ समझाने के पर्पज थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगा रहा हूँ, अदरवाइज बेटे यही चीज बहुत जल्दी होनी है, जब आप प्रैक्टिस करते करते आगे बढ़ोगे तो आप भी ये चीज बहुत जल्दी कर लोगे। आइए जी नेक्स्ट पेज पर चलिए और डालिए फटाफट से हेडिंग आंसर नंबर 2। मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूं आपके सामने स्क्रीन पे, पढ़िए बेटे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले आप पढ़ो फिर मैं पढ़ूंगा, क्वेश्चन नंबर 2 पहले बेटे आप लोग पढ़िए फिर मैं पढ़ूंगा। सर ये तो वही कह रहा है जो अभी कह रहा था इस क्वेश्चन में, हाँ फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शंस एक्सपेक्टेड टू वेस्ट। अब आप देख रहे हो किस इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं जी एग्जाम में, आपको फेयर वैल्यू पूछी जाएगी एक्सपेक्टेड टू ऑप्शंस मतलब एक्सपेक्टेड टू रिच की। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, मैंने आपको लास्ट क्लास में एक बात बताई थी, क्या, एक होती है बेटे मार्केट वाली कंडीशन और एक होती है अदर देन मार्केट, मतलब हमारे यहाँ की अपनी पर्सनल एक्सपेक्टेशन। एम्प्लॉयज के जाने की कंडीशंस दो होती हैं, एक है मार्केट के फैक्टर की वजह से, एक हमारे यहाँ के फैक्टर्स की वजह से। मार्केट में कब क्या चेंज आए वो बात अलग है, लेकिन हमारे यहाँ के जो फैक्टर्स हैं हम अपने फैक्टर्स को तो लेकर चल ही सकते हैं कैलकुलेशन में, क्योंकि हमारे यहाँ के फैक्टर ज्यादा रिलायबल नहीं है। जरा देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, डिटरमाइन द टोटल फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन एक्सपेक्टेड टू वेस्ट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। भाई ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपको बतानी है सभी ऑप्शंस की वैल्यू निकाल करके फेयर वैल्यू। जरा पढ़िए तो जरा, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं जी, बेटे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है हमारे कितने, 5000, और ऑप्शंस क्या है 1000 हर एम्प्लॉय को, और वेस्टिंग पीरियड क्या है बेटे 3 इयर्स। तो एक काम करेंगे, एक छोटा सा ग्राफ बना लें, एग्जाम में हमें ये काम करना है, चलो जी करते हैं जी। और सबसे लास्ट लाइन नोट पढ़ लो, 5 रुपए पर वैल्यू का ऑप्शन है, सर ये तो बिल्कुल पहले जैसा ही है। हाँ सर तो हम क्या ग्राफ ना बनाए, बेटे बिल्कुल बनाएंगे, पाप चढ़ेगा उसे जो ग्राफ नहीं बनाएगा, देख लो मैं पहले बोल रहा हूँ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। लो भाई ये है हमारा क्या, वेस्टिंग पीरियड, और जिसने पाप ना किया हो वो पापी ना हो, जिसने क्वेश्चन ना किया हो वो स्टूडेंट ना हो। बेटे वेस्टिंग पीरियड कितना है जल्दी बोलो, 3 इयर्स, 3 इयर्स हमारा क्या है वेस्टिंग पीरियड, जल्दी जल्दी मेरे साथ साथ में तेज स्पीड बढ़ानी है हमें, ये तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है जी, जल्दी आओ। क्या कहता है क्वेश्चन जल्दी से देखो, कह रहे नंबर ऑफ एम्प्लॉय लिखो, बेटे बस ये जो शॉर्टकट मैंने आपको बताया एग्जाम में यही करना, एक छोटा सा ग्राफ बनाना और बस मजे लेना। एम्प्लॉयज हैं जी हमारे, एम्प्लॉयज है हमारे कितने, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, और फिर ऑप्शंस पर एम्प्लॉय कितने हैं, और कमाल की बात क्वेश्चन में हमें माइनस माइनस करके कुछ नहीं निकालना, खुद ही सब कुछ दे दिया फेयर वैल्यू पर ऑप्शन, और बता दिया कि ये तो है जी 5 रुपए का,
एम्प्लॉयज हमें बताए हैं कितने बेटे, 5,000। 5,000 एम्प्लॉयज से हमारी यहाँ पे बात हो रही है कंपनी की, 5,000 एम्प्लॉयज हैं और उनको कह रहे हैं रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, जाने वाले आप मत जाओ एम्प्लॉयज जी, हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं और हर एम्प्लॉय को बोल रहे हैं 1,000 शेयर हम आपको देंगे, समझे। एम्प्लॉयज को कह रहे हैं रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, जाने वाले को जाने वाले मत जा, न जा कहीं अब मत जा। अब देखो बेटे ध्यान से, मजे लेने वाली बात तो अलग होती है लेकिन बेटे इस क्वेश्चन को देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप एग्जाम बैठे हो, आपने ग्राफ बना लिया, बस आपका क्वेश्चन हो गया। देखो 3 साल का वेस्टिंग पीरियड है, पूछा भी क्या है हमसे, पूछा एक्सपेक्टेड एम्प्लॉय जो है, एक्सपेक्टेड जो एम्प्लॉयज हैं, एक्सपेक्टेड टू रीच जो है इस वेस्टिंग पीरियड को सेटिस्फाई करके वहां पर उस कट ऑफ डेट तक पहुंचने वाले जो एम्प्लॉयज हैं उन पर कितने टोटल हमारा खर्चे की उम्मीद है, फेयर वैल्यू ऑफ ऑल ऑप्शंस। तो पहले तो हमें क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड टू एम्प्लॉयज, और इसके लिए हमें क्या चाहिए, कितने हैं जो छोड़ के चले जाए, कितने परसेंट पहले साल में जाएंगे, कितने परसेंट दूसरे साल में, कितने परसेंट तीसरे साल, है ना। अब ये जो परसेंटेज है बेटे ये दो होती है, एक तो क्वेश्चन में बताता है कि मार्केट में सबके यहाँ पे इतने परसेंट लोग छोड़ के चले जाते हैं हर साल, पहले साल में इतने, दूसरे साल में इतने, तीसरे साल में इतने परसेंट लोग छोड़ के चले जाते हैं। जैसे हम लोग करते हैं ना कि हमारा तो इतना परसेंट रिजल्ट आता है फाउंडेशन में इतना, एग्जीक्यूटिव में इतना परसेंट, फिर उसमें से इंटर में सॉरी फिर फाइनल में इतना परसेंट, प्रोफेशनल में, बिल्कुल वैसे ही पहले साल में इतना परसेंट चले जाते हैं जी, रह जाते हैं जी, फिर जो बचे, फिर जो बचे उसका परसेंटेज निकाला जाता है नेक्स्ट नेक्स्ट वाली स्टेज का रिजल्ट, फिर जो बचे फिर उनपे परसेंटेज नेक्स्ट वाले इसमें लगाए जाते हैं। बिल्कुल वही कहानी यहाँ पर है, पहले साल में डैश परसेंट चले जाएंगे, जो बचे हुए उस पर डैश परसेंट। लेकिन ये परसेंट कौन सी होगी, मार्केट वाली या हमारे यहाँ की खुद की। कई लोग कहते हैं इतने परसेंट लोग ही सीएस कर पाते हैं, बेटे होते होंगे, वो तो मार्केट की बात है, आप अपने आप को एनालाइज करो, आप कितने परसेंट अपनी मेहनत करते हो उसी के बेस पे डिसाइड करोगे ना कि मैं ये काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो आपके यहाँ पर जो परसेंटेज मैटर करती है वो आपकी खुद की परसेंटेज मैटर करती है, यही बात हमारे क्वेश्चन में है। यहाँ पर दो तरह की परसेंटेज दी है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, सुनना ध्यान से, जो जो मैं पढ़ता जाऊँ वो पढ़ते जाना, आगे मत पढ़ना। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज नॉट एक्सपेक्टेड टू फुलफिल द वेस्टिंग कंडीशंस, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो कंडीशन वेस्टिंग पीरियड वाले सेटिस्फाई नहीं करेंगे, ऐसे एम्प्लॉयज मतलब वो छोड़ कर चले जाएंगे। भाई वेस्टिंग पीरियड क्या है हमारा, 3 साल, 3 साल तक उनका रुकना मतलब वेस्टिंग कंडीशन को सेटिस्फाई करना, अगर 3 साल तक नहीं रुके तो यानी कि वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। तो इनकी बात बताई जा रही है कि कितने परसेंट लोग छोड़कर चले जाएंगे, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करना मतलब छोड़कर चले जाएंगे। एक है बेटे अदर देन मार्केट कंडीशन, अंडरलाइन करो यहाँ पर प्लीज, ये जो फैक्टर है आपको ये अंडरलाइन करना चाहिए, कौन सा सर, अदर देन, ये वाला अदर देन मार्केट, एक तो जी ये, अच्छा सर, और फिर आगे चलो, फिर ये देखो बेटे आगे देखो क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरे वाला क्या है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज नॉट एक्सपेक्टेड टू फुलफिल द वेस्टिंग कंडीशन, अरे ये तो फिर से वही बात कहती सर जो ऊपर कही थी, हाँ मतलब यहाँ पर भी बताई जा रही है वो वाले एम्प्लॉय जो छोड़ के चले जाएंगे, फिर सेकंड में फिर से बताया जा रहा है वो वाले एम्प्लॉय जो हर साल छोड़ के चले जाएंगे। पहले वाले में था अदर देन मार्केट कंडीशन और दूसरे में क्या है बेटा, अंडरलाइन करो, बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशन, मार्केट के जो हालात हैं, ये सेकंड वाले फैक्टर्स मार्केट के बेसिस पर बता रहे हैं कि कितने परसेंट लोग पहले साल छोड़ के चले जाएंगे, कितने परसेंट लोग दूसरे साल छोड़ के चले जाएंगे, कितने परसेंट लोग तीसरे साल छोड़ के चले जाएंगे। ये बातें किसके बेसिस पर बता रहे हैं, मार्केट कंडीशन के बेस पर। लेकिन हमारे यहाँ पर क्वेश्चंस में जो मैटर करेगी वो मार्केट के अलावा मतलब हमारी खुद की, ये जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है ना 20%, 15%, 10%, ये मार्केट के अलावा लिखा हुआ है, अदर देन मार्केट मतलब हमारी खुद की परसेंटेज बताई जा रही है कि हमारे यहाँ पर कितने परसेंट लोग पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल छोड़ के चले जाते हैं। और बेटे यही मैटर करेगी, मतलब सीधी सी बात, अब शॉर्ट में बात, एग्जाम में हमें मार्केट वाले को काउंट नहीं करना है, मार्केट वाली परसेंटेज नहीं घटानी है हर साल, हमें घटानी है अदर देन मार्केट मतलब जो हमारी खुद की है, 20%, 15% और 10%, यानी कि यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चन में काउंट होंगे वो काउंट होंगे
20%, 15% सेकेंड ईयर में और 10% थर्ड ईयर में। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। अब समझ रहे हो आप मैंने क्यों आपको एग्जांपल में भी शुरू में समझाते हुए 3 इयर्स का लिया, क्योंकि हमारे यहाँ जब भी क्वेश्चन आए ज्यादातर वो 3 इयर्स के ऊपर बेस्ड रहते हैं, 3 या 4। ठीक है, तो हो गया जी काम, बस निकाल दो बेटे, मैं आपको मौका देता हूँ, पहले आप निकालो जल्दी से, फटाफट से निकालो भाई, भाई तभी मजा आएगा, आप तुम निकालो पहले और फिर मैं बताता हूँ। मैं पूरे गिनती के 1 मिनट तक मैं चुप रहूंगा, आप ये मत सोचना क्लास हैंग हो गई, इसलिए मैं हिलता भी रहूंगा, जल्दी करो। ठीक है, 1 मिनट के बाद में मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन शुरू करूंगा, 1 ही मिनट तो मिलेंगे एग्जाम में। हो गया जी, आइए जी जल्दी, सर अभी पूरा नहीं हुआ, बस बेटे बस हो गया, आओ जी, इतनी देर की बात हो ना है। लो जी, लो बेटा देखना जरा फटाफट से मेरे बच्चों, लो जी क्या हो गया सर, कर दो काम को बेटे। 5000 में से घट गए पहले साल कितने, 20%, कितना हो गया जी 1000, फिर कितने बच गए 4000, फिर घटा दो कितने 15%, 4000 का 15%, 600 कितने बच गए जी, ये बच गए जी 3400, फिर घटा दे जी हमने 10%, तो कितने घट गए जी 340, तो बेटा जी प्यारे प्यारे बच्चों जी, शैतान शैतान बच्चों जी, कितने बच गए 3400 में से घटा दो 340, बच गए हमारे 3060। और भाई 3060 एम्प्लॉइज हैं जिनकी हमारी एक्सपेक्टेड टू रीच है, तो बेटा बिना टाइम वेस्ट के सीधा काम की बात, इतने एम्प्लॉइज अगर पहुंचने वाले हैं तो इन एम्प्लॉइज को हम क्या देंगे, ये इनके पास क्या ऑप्शन मिलने वाला है, 1000 शेयर खरीदने का ऑप्शन, और हर शेयर पर हमारा 5-5 रुपए का खर्चा है, हम कौन कंपनी, मल्टीप्लाई करो बेटे इंटू 1000 इंटू 5, लो भाई लो आगे चलो, लो भाई लो आगे चलो, कितना आया जी 15300000। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 आगे चलें, चलो बेटे आगे चलें, सर ये पहले साल में कितना आएगा, दूसरे साल में कितना आएगा, तीसरे साल में, बेटे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ो, रिक्वायरमेंट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन आपसे बस एक चीज जानना चाह रहा है, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शंस एक्सपेक्टेड टू वेस्ट, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन, बस इतना जानना चाह रहा है, वो ये नहीं जानना चाह रहा कि पहले साल में कितना जाएगा पीएनएल में, दूसरे साल में कितना जाएगा वगैरह वगैरह, कुछ नहीं। आइए फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, पढ़िए। अब की बार पहले आप पढ़ोगे सरकार, पहले आप पढ़ो बेटे, मैं एक काम करता हूँ फुल स्क्रीन पे क्वेश्चन लाया करूंगा जब आपको पढ़ाया, लो जी एक काम करते हैं, लो भाई लो फुल स्क्रीन पे मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए ताकि आप इसको अच्छे से पढ़ें, पूरे 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आपको करने का, पूछ क्या रहा है ये भी तुम खुद पढ़ोगे और निकालोगे भी खुद। चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, बच्चे तैयार हैं, जल्दी करो बेटे जल्दी करो, आपको जो करना है क्या करना है, क्वेश्चन में सबसे पहले पढ़नी है रिक्वायरमेंट, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शंस एक्सपेक्टेड टू वेस्ट टू बी रिकॉग्नाइज एज एन एक्सपेंस ड्यूरिंग द Each accounting year in respect of ESOP. अब की बार इन्होंने पूछ लिया सरकार, हर ईयर का एक्सपेंसेस कितना है यार, ये पूछ ले बेटे।
जो अभी अभी हमने निकाला था उसी को हमें क्या करना है, 1/3, 1/3, 1/3, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल। लेकिन सवाल ये है कि कौन से वाली चीज बेटे, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 5,000 है, ऑप्शन एक्सपेक्टेड क्या है, 1,000। सर ने क्या चेंज कर दिया इस क्वेश्चन में, मैंने कुछ नहीं किया भाई, ये सब एग्जाम के क्वेश्चन है। 4 years कर दिया है, ओहो, अब की बार 4 साल है, और परसेंटेज भी फिर 4 साल के हिसाब से होगी। हाँ जी, लेकिन ध्यान रखना हमें कौन से वाली लेनी है, बेस्ड ऑन मार्केट या बेस्ड ऑन अदर देन मार्केट। तो हमें जो काउंट करने में, उसको हाईलाइट कर रहा हूं, अदर देन मार्केट, इसको काउंट करना है जी। करो करो, मैं आगे आ रहा हूं। आ जाऊं मैं भी, चलिए मैं आ जाता हूं। और लो जी, 1, 2 एंड 3। तो बेटा, बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, देखो आपके सामने आपका क्वेश्चन है, और आपने मेरे ख्याल में कर भी लिया होगा बहुत सारे बच्चों ने। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में जो एक खास बात है, पहले आप लोग कर लो फिर मैं बताऊंगा। इस क्वेश्चन में एक खास बात आ गई, करो पहले आप। कर लिया होगा अब तो। आइए अब मेरे साथ चलिए, इस क्वेश्चन में जो मेन मेन है पॉइंट वो है ये, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर इट हैज बीन रीएस्टिमेटेड दैट, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई थर्ड ईयर के एंड में ही, एंड नो अदर फर्दर कंडीशन आर रिक्वायर्ड टू फुलफिल फोर ऑप्शंस टू वेस्ट। क्या मतलब है बेटे यहाँ पर, वेस्टिंग पीरियड मतलब ड्यूरेशन ड्यूरिंग विच कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी है, वो थी 4 साल की। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, शुरू में हम 4 साल सोच के चले, लेकिन थर्ड ईयर के एंड में क्या हो गया, आइस पाइस धप्पा हो गया। सर आइस पाइस धप्पा, हाँ, हाइड एंड सीक हो गया, मतलब उन्होंने सीक कर लिया। क्या मतलब सर, उन्होंने बेटे वहीं पे कंडीशन सारी सारी सेटिस्फाई कर दी, यानी कि थर्ड ईयर में ही उनको ऑप्शन वेस्ट हो गए। आइए हम लोग क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन के जरिए मतलब ग्राफ के जरिए इस बात को समझते हैं। सबसे पहले डालिए फटाफट से आंसर नंबर 3। बेटा मैं जरा क्वेश्चन का ग्राफ बना रहा हूं, आप सब बच्चे ध्यान से देखना इधर, 1, 2, 3 एंड 4 कितने साल थे, ऑफ कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए कितने साल थे। सर 4 साल थे। वेस्टिंग पीरियड का मतलब क्या होता है, क्या कोई कसम खिलाई जाती है कि 4 साल के बाद में राइट मिलेगा, मतलब वेस्टिंग पीरियड के बाद में राइट मिलेगा, इसका मतलब क्या होता है, पहले इसको लिख लो, कंडीशंस सेटिस्फाई करने का मैक्सिमम पीरियड, ज्यादा से ज्यादा इतने पीरियड के अंदर आपको कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, ज्यादा से ज्यादा इतने पीरियड के अंदर। आओ जी, अब इसमें ये हमारा फर्स्ट ईयर, ये हमारा सेकंड ईयर, ये थर्ड ईयर, और ये बेटा फोर्थ ईयर। आप सुनिएगा ध्यान से, सबसे पहले एक काम करो, यहां पर लिखो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, भाई नंबर्स ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं, ये हमारे 5,000, कितने बेटा देखो कितने हैं ये 5,000, और ऑप्शन क्या है सबको, 1-1 हजार का ऑप्शंस पर एम्प्लॉई,
ये है बेटे 1,000 शेयर्स खरीदने का, 1,000 इक्विटी शेयर्स खरीदने का। फेयर वैल्यू क्या है जी? फेयर वैल्यू है ₹5 पर ऑप्शन। और क्या कहा जी, हर साल कितने कितने छोड़ के चले जाएंगे बेस्ड ऑन अदर देन मार्केट के, हम लोग बात कर रहे हैं। पहले साल जाएंगे जी 20% छोड़ के, दूसरे साल जाएंगे जी 15% छोड़ के, तीसरे साल जाएंगे जी 10% छोड़ के, चौथे साल जाएंगे जी 10% छोड़ के। सर ये तो 3 साल का क्वेश्चन है कि 4 साल का, हमें तो यहीं पे डाउट हो रहा है। बेटा आप खुद सोचो कि जो क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि भाई अगले 4 साल के अंदर अंदर आपको कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, और उससे भी बड़ी बात क्वेश्चन में 4 साल की परसेंटेज दे रखी है, तो आप ये बताओ कंडीशन सेटिस्फाई करने का क्वेश्चन ने तो चलो हमें बता दिया, लेकिन अकाउंटिंग क्या इस हिसाब से होती है कि पहले 4 साल बीत जाने तो फिर 4 साल की अकाउंटिंग होगी? नहीं जी, अकाउंटिंग हर साल के एंड में की जाती है, और हर साल के एंड में हम क्या सोच के चलते हैं, अपनी आगे की एक्सपेक्टेशन सोच के, उसी के बेस पे तो अकाउंटिंग करेंगे। क्या उन्हें पता था कि तीसरे साल के एंड में सारी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी? बिल्कुल भी नहीं। तो फर्स्ट ईयर के एंड में जब हम बात कर रहे होंगे कहां पर, इस जगह पर, तो वो कहां के एम्प्लॉइज की एक्सपेक्टेशन लेकर के चल रहे होंगे कि यहां पर कितने पहुंचने वाले होंगे, वो कैलकुलेशन इस हिसाब से कर रहे होंगे। ध्यान से समझो इस बात को, बहुत गहरी बात है, मैं रिपीट कर रहा हूं बात को, मैं रिपीट कर रहा हूं ध्यान से। जब हम फर्स्ट ईयर के एंड में खड़े होंगे तो हमें थर्ड ईयर की एक्चुअल सिचुएशन पता होगी क्या? आज आपको पता है कि आप सीएस बनने के बाद में कौन से साल में कितना पैसा कमा लोगे? नहीं। कौन से साल में आप किस कंपनी में होंगे? नहीं। आप तो सिर्फ एक जो अभी प्लान लेके चले हो, एक एस्टिमेशन बेस पर प्लान लेके चले हो कि नहीं, कि भाई हम लोगों को इतने टाइम में सीएस हो जाएगा, फिर हम वहां पर उस वाली कंपनी का हम टारगेट लेके चल रहे हैं, या ऐसा कुछ हम टारगेट बना के चल रहे हैं। तो आप उस एक एक्सपेक्टेशन पर अपनी हालत को जानते हो कि हाँ भाई मैं कितना काम कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, उस चीज को बेस बना करके आप एक एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हो। ऐसे ही कंपनी भी चलती है कि भाई 4 साल के बाद में एम्प्लॉय इतने मिलने वाले हैं। तो फर्स्ट ईयर के एंड में क्या उसे पता है कि वो 4 साल छोड़ो, तीसरे साल पे वो सारी सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर देंगे? भाई कोई सोच रहा होगा, मान लो 4 साल का सीएस हम लोग कर लेंगे, 4 साल में हम लोग कर लेंगे, क्या पता आप इतनी तेजी से काम करो कि बहुत अच्छे से आपने फटाफट एग्जाम क्लियर कर ले, बस ट्रेनिंग बची हुई है। मेरा एक स्टूडेंट है, उसके साथ में ऐसे ही है, उन्होंने क्या किया, उनका सीएस बहुत जल्दी क्लियर हो गया, वो अब बची हुई आर्टिकलशिप अपनी अप कर रहे हैं जो ट्रेनिंग होती है। एनीवेज आइए जरा कम टू द पॉइंट बेटे, कंडीशन हम एक एक्सपेक्टेड कंडीशन लेकर के चल रहे हैं कि एक्सपेक्टेडली हम लोग 4 साल की अगर बात करें, 4 साल तक का मौका दिया है कंपनी ने, तो 4 साल के हिसाब से खर्चे वो सोच के चल रही है, और एक्चुअल तो तब पता चलेगा जब वो हकीकत में कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, वरना 4 साल तो है ही। आइए अब यहां पे बात करते हैं ये वाली, क्या फर्स्ट ईयर के एंड में कितने खर्चे हैं, फर्स्ट ईयर के एंड में कितने खर्चे हैं जो यहां के पीएनएल में जाएंगे? फिर बेटे यही बात सेकेंड ईयर के एंड में है, क्वेश्चन ने जो हमसे पूछा है हर साल के पीएनएल में भेजने वाले खर्चों को बताइए। क्वेश्चन ने हमसे ये पूछा है, क्या पूछा है बेटा, ये पूछा है हर साल का हिसाब किताब बताइए पीएनएल में कितने खर्चे भेजोगे। आइए आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर के एंड में, सेकंड ईयर के एंड में, और थर्ड ईयर के एंड में, और फोर्थ ईयर के एंड में, ये हमसे पूछा है, पूछा जो है। लेकिन आप सबको पता है अब क्वेश्चन क्योंकि पूरा हमारे साथ सामने है, तो हमें पता है कि थर्ड ईयर के बाद में कहानी रुक गई, इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहीं पर ही, कहां पर ही, कहां पर ऑल कंडीशन सेटिस्फाई किस जगह पे हो गई है, इधर, मतलब मैं कह सकता हूं इसको दूसरे शब्दों में, यहीं पर ऑप्शन वेस्टेड ऑप्शंस बन गए हैं,
यहीं पर ही अधिकार उनको मिल गया है। तो आराम से मैं अब आपको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस लेके चलता हूँ, तो मेरे साथ साथ में आप लोग लिखना शुरू कीजिएगा। सबसे पहले है बेटे ईयर नंबर वन, मैं एंट्री तो ना कराऊं, एंट्री तो आपको पता है पिछली क्लास में हमने की थी। ईयर नंबर वन, ईयर नंबर वन में, ईयर नंबर वन में जो हमारी बात होनी है क्या होनी है जी, आइए जरा एक्सपेंस रिकॉग्नाइज की। तो बेटे ईयर नंबर फर्स्ट के एंड पे क्या उसे पता था कि तीसरे साल में कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी? नहीं। अब एक मिनट के लिए प्लीज, दो मिनट के लिए बस पेन रोक देना, जो मैं कह रहा हूँ प्लीज मान लेना, दो मिनट के लिए पेन रोक देना। रिकॉर्डेड भले ही हो, मैं आपको महसूस नहीं होने देना चाहता कि रिकॉर्डेड है, तो इसलिए थोड़ा सा मेरी बात इतनी मान लेना कि दो मिनट के लिए पेन रोक देना, और नहीं तो बेटे मैं तो फिर वही कहूंगा, काली मत आएगी उसके गले में सांप डाल के जाएगी जो मेरी बात नहीं मानेगा। बताओ भाई यहाँ पर एक्सपेक्टेड टू रीच यहीं पर लेके चल रहे होंगे ना, जब हम फर्स्ट ईयर के एंड में होंगे तो हम क्या सोच के चल रहे होंगे, बताओ क्या सोच के चल रहे होंगे कि ये फोर्थ ईयर के एंड में कितने लोग वहां पे मिलने वाले हैं? क्या हमें कोई सपने आ रहे थे, हमें कोई सपने आ रहे थे कि तीसरे साल में कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी? नहीं। जब हमारा फर्स्ट ईयर होगा और जब हमारा सेकेंड ईयर होगा तो हमें, हमारी जो एक्सपेक्टेशन होगी वो फोर्थ ईयर के एंड की ही एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे होंगे, क्योंकि हम तो फ्यूचर की बात कर रहे हैं। जब थर्ड ईयर के एंड में आए होंगे तो हमारी एक्चुअल चीज सामने आई होगी ना कि हाँ भाई अरे वो टारगेट तो हमने अभी पूरा कर दिया, सारी सारी कंडीशन यहीं पे सेटिस्फाई हो गई। लेकिन फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के एंड में तो हमारी जो है वो एक्सपेक्टेशन फोर्थ ईयर तक जारी होगी ना कि फोर्थ ईयर के एंड में कितने लोग मिलने वाले हैं। तो मैं उसी की बात लेके चल रहा हूँ बेटे, 5000 जो एम्प्लॉइज हैं उसमें से फर्स्ट ईयर में कितने छूटने वाले हैं बेटा? 20%। फिर जो बचे, मतलब मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ, एक और तरीका निकालने का क्या, 5000 में से फर्स्ट ईयर में 20% चले जाएंगे तो बच कितने जाएंगे बोलो? 5000 का फर्स्ट ईयर में कितने बच जाएंगे बेटे? 80% बच जाएंगे। या चलो इसको वैसे लिख के करता हूँ कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा उलझ जाए। तो 5000 में से फर्स्ट ईयर में जाने की एक्सपेक्टेशन है कितना? 20%। 20% कितना हो गया बेटा बताओ? तो कितने बच जाएंगे बताओ फर्स्ट ईयर के एंड में? जब 20% चले जाएंगे तो बच जाएंगे सर 4000। फिर सेकेंड ईयर में जाने की एक्सपेक्टेशन है कितना इसमें से? 15%। तो भाई 4000 का 15% कितना होता है? 600। ये तो हो गया था 1000, ये हो गया था कितना? 600। तो घटाओगे 4000 में 600, तो कितने बच जाएंगे सेकेंड ईयर के एंड में? 3400। फिर बेटे थर्ड ईयर की बात करें तो थर्ड ईयर में 3400 में से कितने परसेंट चले जाएंगे? 10%। 10% का मतलब है 340। तो थर्ड ईयर के एंड में कितने बचेंगे? 3060। फिर बेटे फोर्थ ईयर के एंड में कितनों के जाने की एक्सपेक्टेशन है? फिर से 10% माइनस 10%। 10% कितना होता है जी? 306। तो इनको घटाने के बाद कितने बचेंगे? 10 में 6 बचे 4। 10 में से 6 गए तो बचे कितने? 4। घटाना जरा, यानी कि 2754 एम्प्लॉइज के पहुंचने की वहां पर एक्सपेक्टेशन है फर्स्ट ईयर के एंड में। प्लीज इसे नोट करें मेरे साथ साथ में, अब आप साथ साथ में नोट कर लो। फर्स्ट ईयर के एंड में जब हम लोग होंगे तो हम क्या एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे होंगे? हम ये एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे होंगे कि जो एम्प्लॉइज वहां पर पहुंचने वाले हैं फोर्थ ईयर के एंड में कितने होंगे? 2754। 2754 प्लीज नोट कीजिए। ठीक है जी, जब हम फर्स्ट ईयर के एंड में हैं तो हम ये बात सोच रहे हैं, और ये हमने क्या बात सोची है जी? हमने ये बात सोची है फर्स्ट ईयर के एंड में कि भाई कितने एम्प्लॉइज पहुंचने वाले हैं वहां पर? 2754 एम्प्लॉइज पहुंचने वाले हैं। और पता है बेटे 2754 एम्प्लॉइज की मैं बात करूं, एक एक एम्प्लॉय एक एक हजार का ऑप्शन लगता है,
और 5-5 रुपए का कंपनी का उस पर खर्चा है, तो ये खर्चा कितने साल का हम एक्सपेक्ट लेके चल रहे हैं? 4 साल की एक्सपेक्टेशन मान के चल रहे हैं, तो उसमें से पहले साल का जो है हमारा कितना हिस्सेदारी होगी खर्चे में, क्योंकि हम तो 4 साल के हिसाब से लेके चल रहे होंगे, तो पहले साल में जो हम पीएनएल में डाल रहे होंगे खर्चा, तो वो तो हम 4 साल के हिसाब से ही बात कर रहे होंगे ना। 2754 × 1000 × 5 / 4 × 1, तो पहले साल हमने ईसोप में जो क्रिएट की होगी ईसोप पीएनएल से खर्चा मान के 3442500, यानी कि 34,42,500 रुपये पहले साल के पीएनएल में गए होंगे। सबसे पहली बात, सबसे पहली बात। अब सेकेंड ईयर की बताओ बेटे, क्या सेकेंड ईयर में हमारी कोई एक्सपेक्टेशन चेंज हो गई? आओ जी जरा सेकेंड ईयर की बात कर लेते हैं। चलो जी बेटा जी सेकेंड ईयर की बात करो, और लिखना जरा ईयर नंबर टू। अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ बेटे, कोई परसेंटेज थोड़ा चेंज हुई है। ईयर नंबर टू में भी खड़े होकर हम यही तो हिसाब लगा रहे होंगे कितना, कि 2,754 एम्प्लॉइज हमारे वहां पर एक्सपेक्टेड टू रीच है, और इसी पर ही हमारा खर्चा निकलेगा। तो बेटे इसी पे हमारा सेकेंड ईयर का, अगर मैं बात करूँ सेकेंड ईयर का खर्चा हमारा कितना होगा जी, इस पर मल्टीप्लाई करो 1,000 ऑप्शन की, और मल्टीप्लाई करो बेटे 5 रुपए की। बेटे ये हमारा होगा कितने के साल का, हम सोच के चल रहे होंगे कब, सेकेंड ईयर के एंड में। ये 4 साल का खर्चा है, इसमें से अप टू 2 ईयर्स, अप टू 2 ईयर्स, 2 साल तक का कितना खर्चा हमारा है बेटा, लिखो जल्दी से 6885000, 68,85,000। इसमें से लेस कर दो ऑलरेडी एक्सपेंस रिकॉग्नाइज्ड इन ईयर नंबर वन, पहले से ही हमने ईयर नंबर वन में कितना रिकॉग्नाइज कर लिया खर्चा, 34,42,500। तो बेटे इन सेकेंड ईयर, बेटा मैं इसको लिख के करा रहा हूँ, आपको समझा के करा रहा हूँ, इसलिए इतना टाइम लग रहा है, वरना आपको एग्जाम में ये कंक्लूशन आप फटाफट से पेंसिल से लिख के या बिना उसके भी सीधा कैलकुलेटर पे करके आंसर निकालोगे। इन सेकेंड ईयर एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज कितना होगा, बाकी का 34,42,500 ये हमारा पीएनएल में जाएगा जी सेकेंड ईयर में। आइए जी अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बेटे, थर्ड ईयर की बात करते हैं। अब थर्ड ईयर में क्या होगा जी, थर्ड ईयर में हम पहुंचे जी, तो बेटे जी ईयर नंबर थ्री, और यहाँ पे क्या हो गया, आइस पाइस धप्पा। हाँ क्या हुआ, अरे यहाँ पर तो क्या हुआ, यहाँ पर ऑल कंडीशंस सेटिस्फाइड, बेटे सारी की सारी कंडीशन यहीं पे सेटिस्फाई हो गई। जब यहां पर सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, एक मिनट बेटा, जब यहां पर सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो आप मुझे बताओ ऑप्शंस तो यहीं पे वेस्ट हो गए ना। देखिए यहां पर दैट इज ऑल ऑप्शंस वेस्टेड एट दिस डेट, ये है हमारी थर्ड ईयर एंड की, इसी डेट पर सारे के सारे ऑप्शंस वेस्ट हो गए। और जब ये ऑप्शन वेस्ट हो गए बेटे, तो ऐसे केस में आप सोचो जरा, अब तो कंपनी को एक्चुअल खर्चा पता चल जाएगा। जब एक्चुअल खर्चा पता चल जाएगा तो इसका मतलब क्या है, सारा का सारा खर्चा यहाँ तक का कैलकुलेट किया जाएगा। बेटे क्या हमें थर्ड ईयर के एंड पे ये बता रखा है क्या कि हमारी परसेंटेज कोई चेंज हो गई, या सच्ची मुच्ची में एम्प्लॉय इतने नहीं इतने पहुंचे? तो इसका मतलब क्या है, हमारे जो यहाँ तक का हमारा जितना भी हिसाब किताब बैठ रहा होगा, ये वाले तीनों परसेंटेज घटा करके, क्योंकि जो हमारी एक्सपेक्टेड थी हम मानेंगे उतनी ही परसेंटेज
से एम्प्लॉय एक्चुअल में गए हैं, यानी कि हमें फिर थर्ड ईयर के एंड पे ही सारा काम निपटाना है। थर्ड ईयर के एंड पर ही हम बैठ के देखेंगे कि तो सच्ची मुच्ची में जब ऑप्शन यहीं पर एक्सरसाइज हो गया तो भाई कितने रुपए का हिसाब किताब उनका बनता है। तो मेरे बच्चों, हमें इससे आगे की अब कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे वाली परसेंटेज हमारे लिए मैटर नहीं करेगी, सिर्फ यहीं तक की परसेंटेज एक्चुअल में तब्दील हो जाएगी, बदल जाएगी। क्योंकि बेबी को बेस पसंद है? नहीं, क्योंकि अगले वाले ईयर में जाने की जरूरत नहीं है। और यहां तक की जो भी परसेंटेज हमारी रही है वो ही हमारी एक्चुअल भी हमने काउंट कर ली, यहाँ पर यही मानी जाएगी। तो जरा देखना, ईयर नंबर थर्ड के एंड पे आप निकालोगे, अब मैं एक्सपेक्टेड टू रीच नहीं लिखूं, अब मैं कहूंगा एक्चुअली रीच्ड एम्प्लॉइज, जो एम्प्लॉइज यहां तक पहुंचे हैं वो कितने हैं जी भाई, जो सोचा था वही हमारे एक्चुअल निकले। तो 5000 में से पहले फर्स्ट ईयर में तो जा चुके, फिर बचे हुए फिर सेकंड ईयर में चले गए कितने, 15%। तो बेटे थर्ड ईयर में कितने चले गए जी हमारे, 10%, यानी पहुंच कितने गए यहाँ पर 3060। इतने एम्प्लॉइज हमारे यहाँ पर पहुंच गए हैं एक्चुअली। जब हमें नहीं बताया कि भाई कोई अलग बात है तो हम मानेंगे सेम वही बात है। नेक्स्ट बेटे, अब हर एक एम्प्लॉय के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ ऑप्शन और खर्चा। लो जी, तो मैं बात करता हूं थर्ड ईयर एक्सपेंस कितना आएगा जी। तो पहले तो बात करो इधर एम्प्लॉयज कितने पहुंचे, 3060 एम्प्लॉयज हैं, और हर एम्प्लॉय को कितना बेटे ऑप्शन होगा खरीदने का, 1000, और हर ऑप्शन की क्या वैल्यू है बेटे, 5 रुपए। और ये खर्चा कितने साल का बना, 3 साल का। क्यों? क्योंकि चौथे साल तक जाने की जरूरत नहीं है। थर्ड ईयर के एंड पर जब ऑप्शन वेस्ट हो गए तो ये क्या कहलाएगा, ये 3 साल का खर्चा है। ये मत कहना कि सर पहले तो उसे 4 साल का बोल रहे थे बेटे, तब हम फ्यूचर का सोच के चल रहे थे कि फ्यूचर में भी जाना है और अगले 2 साल दिख रहे हैं, अगले 3 साल दिख रहे हैं वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे तो एक्चुअल में कह रहे हैं आज बस क्या आज पर छोड़ो, अब ये एक्चुअली यहीं पर ही सारा काम हो गया है तो अब आगे तो जाने की जरूरत नहीं है। यानी कि ये टोटल हमारा 3 साल का खर्चा है और मल्टीप्लाइड बाई 3 इयर्स, तो भाई अप टू 3 इयर्स कितना होगा बेटे, ये बस एक कैलकुलेशन का तरीका है। फिर हम इसमें से घटाएंगे लेस, क्या ऑलरेडी जो हमने रिकॉग्नाइज कर लिया है खर्चा, एक्सपेंस ऑफ ईसोप इन पीएनएल अप टू सेकेंड ईयर, जब उसको घटा देंगे तो क्या निकल आएगा हमारा बैलेंस पार्ट, टू बी रिकॉग्नाइज्ड मतलब एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज, ईसोप एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज इन थर्ड ईयर, वो हमारा निकल आएगा। निकालो बेटे आप प्लीज, पहले आप निकालो, जल्दी से निकालो जी, मैं वेट कर रहा हूं। निकाल लिया, कितना आया जी, यह आया बेटे 153,000,000, 153,00,000, 1,53,00,000। और अप टू सेकेंड ईयर कितना हो चुका है जी, देखो जरा 68,85,000, 68,85,000, ये ऑलरेडी रिकॉग्नाइज है। तो बेटे थर्ड ईयर में कितना होगा, ये आ गया जी 84,15,000, 84,15,000। क्या कहा मैंने बेटा, 84,15,000, ये हमारा करंट ईयर का खर्चा होगा थर्ड ईयर, ठीक है जी। तो ये था हमारा कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन खुद करके दिखाओगे, तो मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा, भले ही रिकॉर्डेड क्लास हो मैं आपको थोड़ा सा इसमें एक टाइम देना चाहता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4,
मैं फुल स्क्रीन पे आपके सामने लेके आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर फोर को, और आप लोग क्या करोगे, क्या करोगे बोलो, हवन करोगे? नहीं, हवन नहीं, आप फटाफट से क्वेश्चन को देखोगे, उसको रीड करके क्वेश्चन को करने की कोशिश करोगे। क्वेश्चन नंबर फोर, पूरे 2 मिनट का टाइम मैं आपको दे रहा हूं, 2 नहीं 1 मिनट का। तो जी उम्मीद है आपने कर लिया होगा क्वेश्चन को, शुरू करें। आइए जी, अब मैं भी जरा आपके साथ बात करता हूँ, मैं इस क्वेश्चन को कराता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, तो हेडिंग डालिए पहले नेक्स्ट पेज पर, आंसर नंबर 4। आंसर नंबर 4 क्वेश्चन देखो बेटे क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि जो दीपांशु लिमिटेड है, देखो दीपांशु लिमिटेड, उसके पास में कितने एम्प्लॉइज हैं भाई, कितने एम्प्लॉइज हैं जी? 1000 एम्प्लॉइज हैं। कितने बेटा? 1000 एम्प्लॉइज हैं। और हर एम्प्लॉय को क्या ऑप्शन दे रहे हैं बेटे? दो दो ऑप्शन हर एम्प्लॉय को दे रहे हैं। और कब दिया? 1 अप्रैल 2018 को। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कहता है, एट ₹60, यानी कि वो चाहे तो ₹60 में एक्सरसाइज कर सकते हैं ऑप्शन। और वेस्टिंग पीरियड कितना है इसमें? 2.5 साल, 2.5 ईयर्स, 2.5 ईयर्स, यानी कि 2.5 साल, 2.5 साल की ड्यूरेशन है जी। आप चाहो तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने? 1000 है। हर एम्प्लॉय को दो दो ऑप्शन खरीदने का अधिकार है, और ₹60 का हर एम्प्लॉय को एक्साइज प्राइस के लिए बोला है कि भाई ₹60 दे देना और ऑप्शन खरीद लेना। मैक्सिमम पीरियड जो है इज 1 ईयर, किसके लिए? एक्सरसाइज के लिए। और मार्केट प्राइस बता रहे हैं ₹90, और 900 एम्प्लॉयज हैं जिन्होंने ये ऑप्शन एक्साइज किया 30/9/2021 को। फिर क्या अगली बात, जनरलाइज कीजिए फेस वैल्यू अगर ₹10 है। आइए मैं एक काम करता हूँ, मैं इस क्वेश्चन का पहले एक बार ग्राफ बना देता हूँ, एग्जाम में बैठे हैं तो इतना टाइम तो बेटे हम फटाफट से ग्राफ बना करके आराम से कर सकते हैं क्वेश्चन को। देखो बेटे ये 2 साल हो गए, ये 3रा साल है और ये 4था साल है, 4th ईयर।
ठीक है जी, ध्यान देना इधर भी, कोई भी बच्चा ऐसा ना हो कि जो ध्यान ना दे। देखो क्वेश्चन क्या कहता है जी, बेटे ये पहला साल कि ये हमारा पहला साल, ये हमारा दूसरा साल, और ये है हमारा तीसरा साल, और ये हमारा चौथा साल। सर यहाँ तो बात 2.5 साल की है। हाँ देखो, ये है हमारा 2.5 साल के अंदर काम करने के हिसाब से क्या वेस्टिंग पीरियड, क्या है बेटा ये वेस्टिंग पीरियड, क्या है बेटा ये वेस्टिंग पीरियड, वेस्टिंग पीरियड है बेटा। मतलब इतने टाइम के अंदर अंदर हमें क्या करना है, कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। वेस्टिंग पीरियड है हमारा 2.5 साल का, और उसके बाद में जो अगला 1 साल है, अगला मतलब इस डेट के बाद में जो हमारा अगला 1 साल है, मतलब फोर्थ ईयर के मिडिल में जाके खत्म होगा, ये है हमारा एक्सरसाइज पीरियड। जो जो क्वेश्चन ने बोला पहले हमें उसे ग्राफ पे लिख लेना। अब देखिए जरा क्वेश्चन में कब ये ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ग्रांट की डेट क्या है जी, यहाँ पर है जी 1/4/2018। तो मैं अगर बात करूं अगले वाला कौन सा है जी हमारा, 1/4/2019, 1/4/2020, ये हमारा 3 साल यहाँ पे खत्म होंगे, 1/4/2021। मतलब मैं बात करूं अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी कि 30/9/2020 को हमारी डेट थी, कट ऑफ डेट वेस्टिंग पीरियड थी। अब ध्यान से सुनना जरा क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन ने कहा कि हमारे पास जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं, नंबर्स ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं बेटा 1,000, और पर एम्प्लॉय जो ऑप्शंस दे रहे हैं हम लोग, ऑप्शन जो ग्रांट कर रहे हैं पर एम्प्लॉय, वो है कितना, दो 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 ऑप्शन, दो दो शेयर हर एम्प्लॉय खरीदने की उसको उसको राइट मिल जाएगा अगर उसने 2.5 साल का वेस्टिंग पीरियड पूरा किया। जरा देखना बेटे अगली बात क्या, मार्केट प्राइस जो है, क्वेश्चन ने हमें बता दिया मार्केट प्राइस हमें बता रखा है 90 रुपए। सर ये थोड़ा बता रखा कि आज का है बेटे, ये थोड़ा बता रखा है फ्यूचर का है, इसका मतलब वो आज का ही बताएगा हमें। और एक्साइज प्राइस जो है वो भी हमें बेटे क्वेश्चन ने बता दिया, वो बता दिया क्वेश्चन ने कि 60 रुपए में चाहे तो वो खरीद सकते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं बेटे फेयर वैल्यू बताओ तो आप बता सकते हो, हाँ बिल्कुल बता सकते हैं सर, मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस इज इक्वल टू फेयर वैल्यू, यानी कि 30 रुपये हमारा खर्चा है हाँ एक ऑप्शन पे। क्या हमें क्वेश्चन ने यहाँ पर परसेंटेज बताए कि कितने परसेंट फर्स्ट ईयर में जाएंगे, कितना परसेंट सेकंड ईयर में जाएंगे, कितना परसेंट इसमें आधे साल में चले जाएंगे, बेटे क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं बता रखा, यानी कि ये परसेंटेज यहाँ पर है ही नहीं, हमारे यहाँ से एम्प्लॉय इसका मतलब छोड़ के जाते ही नहीं है। ये देखो बेटे क्वेश्चन ने कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं कही है, बस उसने सिर्फ एक ही बात बोली है, क्या कि जब देखो परसेंटेज कुछ भी नहीं है, इसका मतलब एम्प्लॉइज कितने रीच हुए वहां पे बताओ, एक्सपेक्टेड टू रीच कितने हैं बताओ यहाँ पे, और वही एक्चुअल में पहुंचे भी होंगे एक्चुअली रीच, क्योंकि जब परसेंटेज चेंज नहीं बताएगा इसका मतलब जो परसेंटेज हमने सोची थी वही अचीव भी की, इसका मतलब वहां पर कोई भी एम्प्लॉय छोड़ के नहीं गया, यहाँ पर इसका मतलब 1,000 एम्प्लॉयज ही यहाँ पर पहुंचे थे, और इन्हीं की हमने हर साल के एंड में एक्सपेक्टेशन भी की थी। दो बातें बोल रहा हूं मैं, जब हम फर्स्ट ईयर के एंड में बैठ के सोच रहे होंगे कि यहाँ पर कितने वाले पहुंचेंगे सेकेंड ईयर में थर्ड ईयर में, तो भाई ये हमारी एक्सपेक्टेशन भी 1,000 की थी, और सच्ची मुच्ची में जब हम थर्ड ये 2.5 साल के एंड में पहुंच गए होंगे तो हमने देखा होगा सच्ची मुच्ची में पहुंचे भी 1,000 ही है। हाँ लेकिन जब शेयर खरीदने के लिए आए तो यहाँ पर कितने एम्प्लॉइज मिले, कितने एम्प्लॉइज ने एक्सरसाइज किया, एक्सरसाइज किया
ऑप्शन, वो क्वेश्चन ने हमें बताया कि भाई इन्होंने जिसने ऑप्शन एक्सरसाइज की वो है 900 एम्प्लॉइज। तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि यहां पर 100 एम्प्लॉइज के ऑप्शंस जो है ना वो लैप्स हो गए, ये वेस्टेड ऑप्शंस हैं, मतलब जो उनको मिल भी गया था राइट, लेकिन वो राइट यूज नहीं कर पाए। पक्का? चलिए तो फिर शुरू करते हैं। और क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या है जी, जरा देखिए एक बार ढंग से, डिटरमाइन का क्या कह रहा है भाई, क्या डिसाइड करना है जी, जनरलाइज करो जी। क्वेश्चन ने बोला कि हर साल की जनरेटिव बनाओ। तो बेटे सबसे पहले तो जरूरी था कि आपको क्वेश्चन की पूरी क्लियरिटी हो। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन की पूरी तरह क्लियरिटी है, और अब मैं इसी उम्मीद पे बेटे आगे बढ़ रहा हूँ। फर्स्ट ईयर के एंड में, फर्स्ट ईयर के एंड में, फिर बेटे सेकंड ईयर के एंड में, फिर बेटे थर्ड ईयर के एंड में, फिर बेटे ये जो ऑप्शन की एक्सरसाइज की डेट है, जिस डेट को ऑप्शन एक्सरसाइज किया वो कौन सी डेट है, क्वेश्चन ने बता रखा है हमें। हाँ, 30 9 जो कट ऑफ डेट है वो है बेटे, उन्होंने क्या किया, 30 9 को ऑप्शन इतने लोगों ने एक्सरसाइज किया, यानी कि बाकी ने एक्सरसाइज नहीं किया, यानी कि फोर्थ ईयर में, ईयर नंबर फोर्थ में जब हमारी बात गई तो 30 9 की डेट थी जब ऑप्शन को एक्सरसाइज किया। और जब बात आएगी ईयर एंड की तो कौन सी डेट होगी जी हमारी, यहाँ पर ईयर थर्ड में 31 मार्च, 31 मार्च भी क्यों, उससे पहले ही हमारी कट ऑफ डेट होगी ऑप्शन बेस्ड होने की डेट 30 9 2020। फिर इससे पहले ईयर नंबर टू में ईयर एंड जो हुआ वहां पर बात हो रही होगी 31 मार्च 2020 है, हाँ 20। प्लीज पहले एक बार इनको नोट कर लो क्योंकि डेट बहुत मैटर करेंगी। 31 मार्च 2019। और मैं अब चारों साल की कैलकुलेशन भी और अकाउंटिंग भी ईयर वाइज कराऊंगा। सबसे पहले बताओ बेटे एम्प्लॉइज एक्सपेक्टेड टू रीच कितना है, ऑफ कोर्स 1000। तो जब फर्स्ट ईयर के एंड पे हम पहुंचे होंगे तो हमने कितने एम्प्लॉइज की एक्सपेक्टेशन लगा रखी होगी वहां पे पहुंचने के लिए, 1000। यानी कि मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर जो खर्चा, टोटल खर्चा दिखाई देगा वो दिखाई देगा 1000 एम्प्लॉइज का। और पर एम्प्लॉय कितने का ऑप्शन है बेटे, दो ऑप्शन, कितने, दो ऑप्शन हर एम्प्लॉय को है। ऐसे मत करना भाई, देखो मेरे साथ साथ करना, अब थोड़ा सा मेरे साथ साथ में तुम्हें कुछ कैलकुलेशन करनी होगी बहुत जरूरी। एम्प्लॉय कितने पहुंचेंगे, हम फर्स्ट ईयर के एंड में बैठ के सोच रहे हैं 31 मार्च 2019 को कि 1000 एम्प्लॉय पहुंचने वाले हैं, और इन एम्प्लॉयज को ये बोला गया था कि तुम्हें दो दो ऑप्शंस खरीदने का राइट है, और हर यानी कि 2000 शेयर्स, और हर एम्प्लॉय पे हमारा जो खर्चा है वो है 30 रुपए का खर्चा। और ये खर्चा हम जब फर्स्ट ईयर के एंड में बैठ के सोच रहे हैं तो हमें आगे का हकीकत का हिसाब नहीं पता, हमें इतना पता है कि ये 2.5 यानी कि 2.5 इयर्स का, 2.5 इयर्स का हम एक्सपेक्टेड खर्चा लेके चल रहे हैं, जिसमें से फर्स्ट ईयर का जो एक्सपेक्टेड खर्चा है वो हमारा कितना है जी, घटा डिवाइड कर दो जी, 1000 × 2 × 30 डिवाइड बाय 2.5, 24,000 का खर्चा हमारा फर्स्ट ईयर का हुआ। बेटे फर्स्ट ईयर में एंट्री क्या होगी, मैं एंट्री भी लिख के दिखा रहा हूँ, दो पार्ट में मैं एंट्री को कराऊंगा।
कितने, दो पार्ट में मैं एंट्रीज को कराऊंगा और सेम एंट्री बेटे हर साल रिपीट होगी। तो मैं क्या करूंगा, मैं एंट्री लिखूंगा फर्स्ट ईयर, लेकिन अमाउंट लिखूंगा हर साल, ठीक है ना। तो फर्स्ट ईयर वाली जो एंट्री है वही आपको पता है हर साल सेम एंट्री होगी। ए एंट्री और बी एंट्री, ए एंट्री ये कहती है क्या, एम्प्लॉइज, जूम कर दूं क्या, चलो जूम कर देता हूं, जूम 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 जूम। क्या एंट्री होगी बेटे, एंट्री होगी एम्प्लॉइज, लिखो मेरे साथ साथ में। एंट्री हमारी क्या होगी जी, एंट्री होगी ये एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, ज्यादा पतला हो गया पेन, रुको थोड़ा सा निब से ही कर लेता हूँ वरना आपको शायद दिखाई ना दे। पहली एंट्री हमारी होगी क्या, एंट्री होगी जी पहली, नंबर वन एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान ईसो। और यही एंट्री बेटे अगले साल भी होगी और यही एंट्री बेटे उससे अगले साल भी होगी। तो पहले तो आप लिख लो पहले सब ईयर में कि हाँ भाई एंट्री हमारी सेम रहेगी। कर लो पहले सेम सेम, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड ईयर की, सॉरी सेकंड एंट्री की। लो बेटा जी सेकंड एंट्री की बात करते हैं बच्चों, आओ बेटा प्यारे प्यारे बच्चों सेकंड ईयर एंट्री की बात करते हैं। सेकंड एंट्री हमारी होगी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट। जो भी हमारा एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्सपेंस होगा वो पीएनएल भेजा जाएगा बेटे। आगे वाले ईयर में भी सेम एंट्री हमारी होगी, अच्छा फोर्थ ईयर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें इस कंपनसेशन एक्सपेंस को बुक करने की, क्योंकि 2.5 साल में ही सारा काम निपट गया। उम्मीद है आपको यहां तक बात ओके है। आइए अब मैं बढ़ता हूं आगे। तो बेटा फर्स्ट ईयर का जो हमारा खर्चा आया वो कितना आया, फर्स्ट ईयर का 24,000 रुपए का हमारा फर्स्ट ईयर का खर्चा आया, जिसको हमने ईसोप में बुक किया और पता है बेटे पीएनएल में भी हमने इसको भेज दिया फर्स्ट ईयर का। सेकेंड ईयर में एंट्री सेम होगी, जरा अमाउंट देख लेते हैं अमाउंट क्या आएगी। बेटा सेकेंड ईयर के एंड में भी क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन सेम रही, कहीं पर भी कोई भी चीज चेंज नहीं हुई, तो हमारा सेकेंड ईयर में भी खर्चा सेम आएगा। खर्चा तो 2.5 साल का ही है, उसमें से 2 साल तक का कितना हो चुका है खर्चा, 2 साल तक के हिस्से में आएगा 48,000, और इसमें से हम घटाएंगे लेस ऑलरेडी कितना हम लोग पीएनएल में रिकॉग्नाइज कर चुके हैं 24,000। तो यानी कि करंट ईयर सेकेंड ईयर में कितना जाएगा खर्चा बुक करने के लिए पीएनएल में, 24,000 वो भी। तो मतलब सेकेंड ईयर में भी हमारा खर्चा कितना गया बेटे, 24,000 ही हमारा गया। एंट्री हमारी सेम रही और अमाउंट भी हमारी सेम आई, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है, नहीं क्योंकि परसेंटेज हमारे सेम है सेकंड ईयर में भी एक्सपेक्टेशन। फिर बात होती है बेटे थर्ड ईयर की। अब बेटा थर्ड ईयर की बात करें तो थर्ड ईयर में हमारा जो है आधा साल जो है वहीं पे काम निपट गया, तो खर्चा तो हमारा सेम रहा क्योंकि उसमें एक्चुअल भी बात सेम है, 1,000 इंटू क्या
1000 इंटू 2 इंटू 30, ये 2.5 इयर्स का खर्चा है और 2.5 इयर्स हमारे हो चुके हैं। ये कितना है बेटे? 60,000 का, जिसमें से ऑलरेडी हम लोग 2 साल में रिकॉग्नाइज कर चुके हैं कितना, ₹48,000। यानी कि इन करंट ईयर कितना और हमें ईसोप बनाना है? 12,000। बेटे हमारी ये शुरू की जो एंट्रियां हैं दो, वो सेम रहेंगी। पहले हम ईसोप बनाएंगे 12-12 हजार से। 12-12 हजार से हमने पहले क्या किया बेटा? ईसोप को बनाया। अब इसके बाद में अब हुआ क्या, 30/9/2021 को क्या हुआ बेटे? ऑप्शन एक्सरसाइज किया गया 30/9/2021 को। जरा ग्राफ को एक बार फिर से देखो, 30/9/2021 को क्या हुआ बेटे? ऑप्शन को एक्सरसाइज किया गया। 30/9 को नहीं, सॉरी, ये कौन सी डेट है जी? ऑप्शन की एक्सरसाइज करनी है, जरा इसको भी लिख लेते हैं। 30/9/2021 है क्या? हाँ, 30/9/2021 को ऑप्शन को एक्सरसाइज किया गया बेटे। लो जी, आ गया जी हमारा 30/9/2021 को ऑप्शन एक्सरसाइज किया गया। और इसमें क्या हुआ, कितने शेयर्स हैं जी जो कंपनी ने इशू किए? मेरा मतलब कितने एम्प्लॉयज आए? 900 एम्प्लॉयज आए बेटे। जो 900 एम्प्लॉयज आए, अब प्लीज ध्यान ध्यान देना पूरा, इधर बिल्कुल भी इधर उधर आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए। ये जो ईसोप बनाया था हमने ओवर द टाइम, ये कितने रुपए का था सर? ये था ₹60,000 का। और ये कितने एम्प्लॉयज के लिए था? ये जो हमने ओवर द टाइम जो ईसो बनाया, ये ₹60,000 का था। कितने एम्प्लॉयज के लिए था? ये था सर 1,000 एम्प्लॉयज के लिए। तो बेटे ये बताओ, 900 एम्प्लॉयज आए, कितना है? 900 एम्प्लॉयज आए, तो 900 एम्प्लॉयज के हिस्से का कितना ईसोप था? जरा करना मल्टीप्लाई फटाफट। 60,000 इंटू 90/100, 90% हो गया ना, 900 बटे 1,000, यानी कि ₹54,000 ईसोप था इनका, इनसे रिलेटेड, इन 900 एम्प्लॉय से रिलेटेड। अच्छा अब बताओ बेटे, यहां पर जब एंट्री होगी तो किस चीज की एंट्री होगी? अब कोर्स शेयर्स के इशू करने की एंट्री होगी। तो फोर्थ ईयर में जो हम बात करेंगे, यहाँ पर हम पहली एंट्री जो करेंगे वो करेंगे शेयर्स के इशू करने की। कंपनी की जेब में जो पैसे आए वो कितने आए जी? सबसे पहले एक काम करो, जो 900 एम्प्लॉयज के अलावा जो 100 एम्प्लॉयज का ईसोप है जरा वो भी बता दो भाई। ये तो चलो 900 एम्प्लॉयज का हो गया, जो 100 एम्प्लॉयज हैं उनका कितना ईसोप बचा? बाकी का बच गया कितना? ₹6,000। तो 6,000 जो ईसोप है वो तो यूटिलाइज होगा नहीं। ध्यान से देखो, हो सकता है किसी बच्चे का लिंक टूट रहा हो। मैं ये कह रहा हूँ बेटे, हमने क्यों ईसोप बनाया था ये बताओ। हमने ईसोप इसलिए बनाया था ताकि हम कंपनी, हम बीइंग ए कंपनी, एक खर्चा अपनी जेब से बुक कर रहे हैं। एम्प्लॉयज को जो शेयर सस्ते जाएंगे उसके लिए कंपनसेट करने के लिए हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस से खर्चा बुक कर रहे हैं, और वो पीएनएल से हम खर्चा कहाँ पे बुक कर दें? ईसोप में। क्यों ईसोप में? क्यों सर? सीधा सीधा आपने एम्प्लॉयज के खाते में क्यों डाल दिया? क्योंकि बेटे पता नहीं है कितने एम्प्लॉयज 2.5 साल के बाद में, मतलब वेस्टिंग पीरियड के बाद में मिलेंगे। एक्चुअल में एक्चुअलिटी तो वहीं जाके पता चलती है ना। हाँ, लेकिन एक अंदाजा जरूर हम हर साल डालते रहते हैं। अब यहाँ पे बात आती है क्या, कि यहाँ पर जो हमने 100 एम्प्लॉयज की, हमने देखा कि 100 एम्प्लॉयज तो आए नहीं, यानी कि उनके हिस्से वाला ईसोप हमारा बच गया कि नहीं बच गया बताओ? बिल्कुल बच गया जी। ये ₹6,000 हमें यूटिलाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमने पीएनएल से ₹60,000 किस लिए इकट्ठे किए थे? हमने इसलिए इकट्ठे किए थे ताकि जो भी हमारा खर्चा पानी हो हम उसको पीएनएल से इकट्ठे करने, और उस डिस्काउंट या जो भी हमारे वो अमाउंट शॉर्टेज पड़े हम उसको अपने आप कंपनसेट करेंगे। तो जो 100 एम्प्लॉयज हैं उनके लिए जरूरत ही नहीं पड़ी। तो मतलब इनका जो ईसोप है इसको हम वापस से पीएनएल में भेजना चाहते हैं, लेकिन पीएनएल में ना भेज के हम पीएनएल का प्रॉफिट अगर मैंने उठा के रख दिया होता है तो कहाँ जाता है? जनरल रिजर्व। तो इनकी एंट्री होती है बेटे जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने की। तो ₹6,000 जो किन से बिलोंग करते हैं? 100 एम्प्लॉय से बिलोंग करते हैं,
उनका ईसोप वापस भेज दिया जाएगा कहाँ पर, रिवेन्यू प्रॉफिट में, जहां से हमने जनरेट किया था। बस उस साल का पीएनएल हम लोग दोबारा खोल नहीं सकते, तो हमने उस साल का समझ लो एक तरह का हमने जनरल रिजर्व यहाँ पे क्रिएट कर दिया, तो इनका ईसोप वापस चला जाएगा जनरल रिजर्व में। होता नहीं है कई बार आप क्या करते हो, मान लिया कोई किसी चीज के लिए पैसे सोच के चले कि भाई हमें ना वहां तक जाने में इतने रुपए का खर्चा हो जाएगा, लेकिन मान लिया खर्चा हो गया कम। सर कैसे? और बेटे तुमने स्टाफ चला लिया बस में, तो क्या करते हो फिर बताओ? घर पे जाके मम्मा डैडी को पैसे वापस करते हो, मजे लेते हो, कभी आइसक्रीम खा रहे हो, कभी रसगुल्ले खा रहे हो, कभी अपने यार दोस्त पार्टी कर रहे हो, पैटी वगैरह खा रहे हो, तो क्या होता है वो एक तरह से का तुम्हारा प्रॉफिट ही तो है। तो तुम क्या करोगे, अगर मान लिया सपोज करो कोई शरीफ बच्चा है, वो वापस जाके दे देगा, पिताजी पिताजी हाँ लो ये पैसे बच गए, क्यों? क्योंकि मैंने स्टाफ चला लिया था बस में। तो मतलब क्या है, वो प्रॉफिट में से जो पैसे उठा करके उन्होंने दिए थे आपको, एक तरह से वो क्या करेंगे, फिर से पैसे उसी गुल्लक में डाल देंगे जहां पर उन्होंने आपके लिए इंतजाम कर रखा है, और इसका नाम है बेटा जनरल रिजर्व। कंपनी का जितना भी रेवेन्यू प्रॉफिट है या तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है या उठा के रखा जाता है कहां पे, जनरल रिजर्व में। तो अगर पिछले साल का जब हमने ईसोप बनाया था और ईसोप की यूटिलाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं हुई, तो ईसोप को वापस भेज दिया जाता है जनरल रिजर्व में। जो भी ईसोप हमारा कैंसिल होता है, जैसे 100 एम्प्लॉइज नहीं आए तो ये पैसे बच गए, कहां जाएंगे, जनरल रिजर्व। आइए आगे बढ़ते हैं। लेकिन सर उनका भी तो बताओ जो एम्प्लॉइज आए हैं। हाँ बता रहा हूँ ना, अब उन एम्प्लॉइज का होगा क्या, सेकेंड एंट्री उन्हीं के नाम की होगी। उन एम्प्लॉइज से उनका जो एक्सरसाइज प्राइस डिसाइड हुआ था कितने रुपए डिसाइड हुआ था, बोलो बेटे चेक करो फटाफट से ग्राफ। 60 रुपए डिसाइड हुआ था, तो उतने तो पैसे हम उनसे लेंगे। पहली बात कंपनी क्या करेगी, उनसे उतने पैसे लेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, और जितने की जरूरत हुई वो ईसोप से कंपनसेट करेगी। यहाँ पर भाई उनका ईसोप कितने का है, उनका ईसोप है 54,000 का, और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, और जो अपर पार्ट है वो कहां जाएगा, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। ये अकाउंट क्रेडिट और डेबिट होंगे। जरा देखो बेटे कितने एम्प्लॉइज हैं जो आए। सर वो आए यहां पर कितने, 900 एम्प्लॉइज आए हैं सर। बेटे जो 900 एम्प्लॉइज आए हैं उनको दो दो शेयर खरीदने का ऑप्शन है, हाँ जी, तो उनसे मांगे गए होंगे, इतने तो शेयर हो गए उनके पास 1800 शेयर्स, 1800 शेयर्स पर उनसे 60-60 रुपए के हिसाब से जब पैसे मांगोगे तो बेटे कितने आएंगे पैसे बैंक में, 1,08,000। कितने आए बेटे, 1,08,000। जरा देखना जब तुम उन्हें शेयर्स दोगे तो कितने शेयर्स दोगे, कितने फेस वैल्यू के, भाई 900 एम्प्लॉइज को 2 शेयर्स पर एम्प्लॉय के हिसाब से दिया जा रहा है, यानी 1800 शेयर्स, और बेटा फेस वैल्यू कितने की है उसकी, 10 रुपए की, यानी मैं कह सकता हूं क्या कि भाई 18,000 की शेयर कैपिटल उनको दी जा रही है। बेटे उनको ये बताओ कितने रुपए महंगा, कितने रुपए मार्केट प्राइस वाला शेयर तुम दे रहे थे, 900 × 2 ये शेयर दे रहे थे, और महंगा भी था वो शेयर, 90 रुपए का था, यानी कि 80 रुपए वहां पर प्रीमियम के नाम के थे। 18 × 144 यानी कि 1,44,000 रुपए तुमने वहां पे क्या किया, सिक्योरिटी प्रीमियम बुक किया। मैं वेट कर रहा हूं जी आपका, आप इसको नोट कर रहे होंगे मुझे पता है। ये एंट्री होगी जी, हो गया। तो एक बार छोटा सा रिकॉल लें फटाफट से। आइए फिर से एक बार छोटा सा इस क्वेश्चन का रिकॉल लेते हैं, और इस क्वेश्चन को जरा फटाफट से क्विकली हम लोग रिवाइज करते हैं। वेस्टिंग पीरियड था, तो मैं एक काम करूँ क्या, मैं फुल स्क्रीन पे लाकर के आपको रिवाइज करता हूँ, कराता हूँ जल्दी से इस क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे, किसी का कोई पॉइंट मिस हो गया हो तो वो अभी कवर कर लेगा तुरंत के तुरंत, और पाप लगेगा जो नहीं सुनेगा भले ही समझ में आ गया। वेस्टिंग पीरियड है जी 2.5 साल का, 2.5 साल तक क्वेश्चन ने बताया कि कोई परसेंटेज नहीं है यहाँ पर एम्प्लॉइज के जाने की, यानी कि जितने एम्प्लॉइज शुरू से चले थे 1,000 उतने ही वहां पर पहुंचेंगे, 1,000 यहाँ पर पहुंचेंगे। और जब हम 2.5 साल के एंड में पहुंचे तो हमें पता चला कि भाई 1,000 ही सच्ची मुच्ची में पहुंच भी गए, क्योंकि क्वेश्चन ने कुछ भी ऐसा मना नहीं किया। लेकिन जब शेयर्स खरीदने की बात आई तो सिर्फ 900 एम्प्लॉइज ऐसे थे जिन्होंने इनमें से ऑप्शन एक्सरसाइज किया, यानी कि इसका मतलब 100 के लिए जो ईसोप यहाँ पे हमने हर साल बनाया होगा, जो हमने हर साल यहाँ पर ईसोप बनाया होगा, वो ईसोप हमारा बच गया, वो खर्चा नहीं हुआ क्योंकि 100 एम्प्लॉइज नहीं आए थे, तो उनके लिए जो पैसा हमने उठा के रखा था वो हमारा
बच गया, यानी कि वो हमने वापस क्या करना है, हम अपने वापस अपनी जेब में डाल लेंगे। हमारी जेब कहाँ है जी, या तो पीएनएल या फिर जनरल रिजर्व, और उस साल का पीएनएल बंद है तो कहाँ पे जाएगी, जनरल रिजर्व। हर एक शेयर पर हमें 30-30 रुपए की फेयर वैल्यू की बात करनी है, ठीक है जी। आइए जरा पहले साल के एंड में जो हम देख रहे थे कि 1000 एम्प्लॉय पहुंचेंगे और हर एम्प्लॉय को दो दो शेयर खरीदने का ऑप्शन है, तो 30 रुपए का हमारा खर्चा हो रहा है जी, क्योंकि 90 रुपए वाले शेयर में से 60 रुपए तो हम बैंक में ले आएंगे, उनसे पैसे मांग लेंगे, लेकिन 30 रुपए हम उसे एक तरह से बेनिफिट दे रहे हैं, हमारा खर्चा हो रहा है। तो ये 2.5 साल का ऑप्शन है, तो 2.5 साल में खर्चा डिवाइड किया, फर्स्ट ईयर में आ गया कितना, 24,000। ऐसे बेटे सेकंड ईयर के एंड में भी 24,000 आ गया हमारा। थर्ड ईयर में क्योंकि 6 महीने की बात थी, 2.5 साल में मतलब आधा साल, यानी कि ये खर्चा 24,000 वाला 12,000 बन गया। तो हमारा ईसोप कितने इकट्ठा हो गया जी, ईसोप हमारा 1000 एम्प्लॉइज के लिए जो हमने बनाया है वो बनाया बेटे 60,000 रुपए का। कैसे, ये हमने यहाँ पे आपको दिखा भी दिया कि इधर जो है 60,000 रुपए का आ गया, ठीक है, क्योंकि एक एक एम्प्लॉय पे कितने रुपए हमें इकट्ठे करने, बोलो 30 रुपए, और एम्प्लॉयज कितने हैं बेटे 1000, और हर एम्प्लॉय को दो दो शेयर खरीदने का ऑप्शन है। आप यहां से भी निकाल सकते हैं, यानी कि बेटे 2000 × 30 भाई ओवरऑल तो 60,000 रुपए का खर्चा ही है जो हमें इकट्ठा करना है ईसोप में। 60,000 रुपए का हमें ईसोप बनाना है, जिसमें फर्स्ट ईयर में बना लिया, सेकंड ईयर में बना लिया, थर्ड ईयर में बना लिया। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जी हमने जो बनाया यहाँ पे क्या बनाया, 60,000 का ईसोप हमने तैयार कर लिया, जो कितने एम्प्लॉयज में बनाया, 1000 एम्प्लॉयज पे। इसमें से 900 एम्प्लॉयज हैं जिन्होंने ऑप्शन एक्सरसाइज किया, 100 एम्प्लॉयज हैं जिन्होंने ऑप्शन छोड़ दिया, जिन्होंने छोड़ दिया उनका वापस जनरल रिजर्व में ले गए ईसोप, और जिन्होंने यूटिलाइज किया ऑप्शन उनका ईसोप हमने यहाँ पर यूज कर लिया। उनसे पैसे कितने लिए हमने बैंक में, 60-60 रुपए के हिसाब से ली। और देखा जाए तो आप यहाँ पे अगर कैलकुलेशन वैसे भी लिखना चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो, 900 के हिस्से में 30 रुपए के हिसाब से कितना, 54,000 रुपए, यही तो है 54,000 रुपए, ऐसे तो आए। और जो फेस वैल्यू है उसके ऊपर वाला पार्ट क्या है, हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम है। उम्मीद है आपको ये बात पूरी तरह क्लियर है। चलिए फिर इसी के साथ में मैं आगे बढ़ता हूँ, और अब हम चलते हैं बेटे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कौन सा है बेटा, इस यूनिट का और आज की क्लास का भी लास्ट क्वेश्चन, और वो है हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव। तो मैं आपको फिर से एक काम कर रहा हूं, फुल स्क्रीन पे मैं आपको ये क्वेश्चन दिखा रहा हूं जी, आपको फटाफट से क्या करना है, इस क्वेश्चन को रीड करना है और सॉल्व करना है। मैं आपको टाइम दे रहा हूं जी, पूरा क्वेश्चन एक साथ स्क्रीन पे दिखाता हूं। तुम करोगे तुम्हें आएगा, मैं करूंगा मुझे आएगा, तो मैं वेट कर रहा हूं जी पूरे 2 मिनट, पूरे 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं।
हाँ जी कर लिया। आइए अब एक काम कीजिए, अब इसको मेरे साथ कीजिए, ठीक है जी। तो सब बच्चे क्या करेंगे, फटाफट से मेरे साथ साथ में इस क्वेश्चन को करेंगे, हो सकता है किसी बच्चे से छूट गया हो, ठीक है। तो मैं पहले क्या कर रहा हूं, मैं सबसे पहले इस क्वेश्चन का एज यूजुअल हमेशा की तरह क्या बना रहा हूँ, ग्राफ। तब तक के लिए मैं आपके सामने ना इसको फुल स्क्रीन पे रखूंगा कॉपी को, ताकि आप मेरे साथ साथ में प्रेजेंटेबल तरीके से इस काम को कर सके। आइए जी, सबसे पहले बेटे एक काम करो, सबसे पहले आंसर का नंबर लिखो, आंसर नंबर 5, आंसर नंबर 5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे सबसे पहले। कितने साल की बात है बोलो, क्वेश्चन में क्या बोला था, 4 साल। 4 साल का क्या है यहाँ पर, वेस्टिंग पीरियड 4 साल का। तो हम लोग ग्राफ भी उसी हिसाब से बनाएंगे, 1, 2, 3, 4। मतलब बेटे 4 साल का ये क्या है हमारा, वेस्टिंग पीरियड। अब इस 4 साल में शुरुआत में देखो बेटे, फटाफट से देखो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं जी हमारे क्वेश्चन में जो दे रखे हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है हमारे 5,000। कितने, 5,000। और फिर देखो क्वेश्चन ने क्या कहा, हर एम्प्लॉय को 1-1,000 शेयर खरीदने का ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शंस पर एम्प्लॉय कितने का है बेटे, 1,000 each, 1-1,000 शेयर खरीदने का ऑप्शन है हर एम्प्लॉय को। बेटा मार्केट प्राइस कितने का है शेयर का आज की डेट पे, 55 रुपए का। और एक्सरसाइज प्राइस कितने का है, 50 रुपए का, ठीक है जी। ये देखो क्वेश्चन में सबसे लास्ट वाले उसमें दे रखा है। सर यहाँ तो सर एक्सरसाइज प्राइस दे रखा है 50 रुपए का, हाँ जी, और फेयर वैल्यू दे रखी है ना, यानी कि मैं सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बोल रहा हूँ, यानी कि हम मार्केट प्राइस निकाल भी सकते हैं, हाँ जी। इसी तरह से इन्होंने हमें क्या दे रखी है यहाँ पे, फेयर वैल्यू कितना, 5 रुपए। अब बेटा क्वेश्चन ने देखो हमें क्या दिया, क्वेश्चन ने कहा फर्स्ट ईयर के एंड में, ध्यान रखना अदर देन मार्केट कंडीशन, फर्स्ट ईयर के एंड में 20% छोड़ के चले जाएंगे, सेकंड ईयर के एंड में कितने छोड़ के चले जाएंगे, 15% छोड़ के चले जाएंगे, थर्ड ईयर के एंड में चले जाएंगे कितना, 10%, और फोर्थ ईयर के एंड में फिर से चले जाएंगे कितने, 10%। ये हमारे क्वेश्चन में अदर देन मार्केट वाली जो है वो कंडीशन दे रखे हैं, ये वाली अदर देन मार्केट वाली, हमें मार्केट वाली नहीं लेनी, ध्यान रखना 20%, 15%, 10%, 10%। तो इसका मतलब मैं अगर बात करूं आपसे यहाँ पर एक्सपेक्टेड टू रीच कितने हैं, तो आप निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं जी। यानी कि फर्स्ट ईयर के एंड में अगर मैं बैठ के सोच रहा हूँ एक्सपेक्टेड टू रीच, मैं निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ जी। कितने, जरा निकालना एक बार, ये चलो अभी निकालेंगे, इसको हम बोले ऑप्शन वेस्टेड। पहले मैं क्वेश्चन की पूरी बात लिख देता हूँ बेटे, फिर यहाँ पे क्वेश्चन ने और हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन हमें दे रखा है एक्सरसाइज प्राइस तो दे ही रखा है, फेस वैल्यू बता रखी है 10 रुपए। देखो क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन ने कहा कि भैया फेस वैल्यू भी सुन लो, फेस वैल्यू शेयर है हमारा, फेस वैल्यू 10 रुपए का। अब अगली बात करते हैं क्या, कि यहां पर क्वेश्चन ने हमें बताया कि जो कंडीशंस है वो क्या हुआ, क्या कह रहा क्वेश्चन, देखो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर ये रीएस्टिमेट किया, ऑल वेस्टिंग कंडीशन सेटिस्फाई। बेटा सारी की सारी वेस्टिंग कंडीशन फुलफिल हो गई, यानी मैं कह सकता हूँ शॉर्टकट में क्या, हमारे जो ऑप्शंस हैं वो थर्ड ईयर के एंड में, यहीं पर ये रहा हमारा थर्ड ईयर,
ये है फर्स्ट ईयर, ये है सेकंड ईयर, ये है थर्ड ईयर, ये है फोर्थ ईयर। हम सोच के चल रहे थे कि 4 साल की बात होगी, मैक्सिमम 4 साल का टाइम दिया था कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए। यहीं पर वो बन गए वेस्टेड ऑप्शंस। वेस्टेड मतलब सारी सारी कंडीशन सेटिस्फाई, वेस्टेड ऑप्शंस बन गए। तो इसका मतलब क्या है बेटा, फर्स्ट ईयर में तो हम एक्सपेक्टेड लेके चलेंगे, एक्सपेक्टेड। सेकेंड ईयर में भी लेके चलेंगे, एक्सपेक्टेड। लेकिन थर्ड ईयर में क्या हो गया, आइस-पाइस धप्पा हो गया। क्या हो गया, यहाँ पे सच्ची मुच्ची में कितने पहुंचे वो पता चल गया। यानी कि यहाँ पर तो हम बात करेंगे फिर एक्चुअल एम्प्लॉइज के बेस पर, कितने एक्चुअल एम्प्लॉइज के बेस पर। और बेटा आओ शुरू करते हैं फिर। तो फटाफट से मेरे साथ लिखेंगे जल्दी से, ईयर नंबर वन, ईयर नंबर वन करना जरा। ईयर नंबर वन में जल्दी से बहुत तेज हाथ चलाना है, बस 10 मिनट में क्लास ओवर करते हैं जल्दी से। ईयर नंबर वन में बेटे मैं एंट्री नहीं कराऊंगा, एंट्री तो हमारी तुम्हें पता ही है हर साल की। हर चलो फर्स्ट ईयर में एंट्री करा देता हूँ, एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान। फिर क्या होगा जी, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट। बेटा कैलकुलेशन करो जल्दी, बहुत तेजी से चलानी है कैलकुलेशन। फर्स्ट ईयर के एंड में हमने बात की एम्प्लॉइज कितने पहुंचेंगे जी, फर्स्ट ईयर में जो एम्प्लॉइज हैं कितने, 5,000। हाँ जी, तो 5,000 में से आप करो कैलकुलेट, 5,000 में से बेटे फर्स्ट ईयर में कितने चले जाएंगे, 20%। बेटा सेकेंड ईयर में कितने चले जाएंगे, 15%। फिर चले जाएंगे कितना, 10%। फिर चले जाएंगे कितना, 10%। तो मतलब कुल मिलाकर अगर मैं देखूं तो जो हमारे एक्सपेक्टेड आ रहे हैं, एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड टू रीच जो एम्प्लॉइज आ रहे हैं, वो आ रहे हैं जी हमारे कितने आ रहे हैं जी, हमारे एक्सपेक्टेड टू रीच कौन बताएगा जी, 2754। ये हमारे एक्सपेक्टेड टू रीच एम्प्लॉय आ रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूं जो हमारा खर्चा होगा वही नहीं पे होगा। करो जी, बेटा जल्दी से निकालो। तो जो हमारा टोटल एक्सपेंस है वो 4 साल का एक्सपेक्टेड लेके चल रहे हैं हम लोग, तो एक्सपेंस कितना आएगा जी, एक्सपेंस ऑफ फर्स्ट ईयर पहले हम निकालेंगे 2754 एम्प्लॉइज पर। हर एम्प्लॉइज को 1-1 हजार शेयर्स खरीदने का ऑप्शन है और हर ऑप्शन पे 5-5 रुपए का खर्चा है। और ये खर्चा बेटे हमारा कितने साल का है बोलो, ये है 4 इयर्स का एक्सपेक्टेड है। इसमें से फर्स्ट ईयर का यानी कि अप टू 1 ईयर कितना आ रहा है जिनके हिस्से में, कर दो बेटे बस 1/4। ये आ गया हमारा कितना, इज इक्वल टू 34,42,500। ये हमारा फर्स्ट ईयर का खर्चा है जो हमारे फर्स्ट ईयर के पेनल में भी जाएगा। कितने का जी, कितने का, 34,42,500, 34,42,500, 34,42,500। बेटे पहले साल का आपने बना लिया, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पहले साल की बात आपने नोट कर ली है, कैलकुलेट कर ली है अच्छे से। अब बात करते हैं कौन से वाले ईयर की, सेकंड वाले ईयर की। ये लो बेटे हमने निपटा लिया है काम, कौन से वाला जी, फर्स्ट ईयर की एंड वाला हमने काम कर लिया है। अब हम कर रहे हैं कौन से वाला जी, सेकंड ईयर की एंड पे। बेटे यहाँ पर भी तो एक्सपेक्टेड चलेगा ना, आइए अब ये कर लेते हैं। आइए जी बेटे, कोई एक्सपेक्टेशन चेंज थोड़ा हुई हमारी। तो फटाफट से हेडिंग डालो, ईयर नंबर सेकेंड, ईयर नंबर सेकेंड, और लिख दो एंट्री। दोनों एंट्रियां सेम है, फर्स्ट वाली भी सेकंड वाली भी। तो हमारा ध्यान किस पे रहेगा, सिर्फ कैलकुलेशन करने पे। आइए जी,
मैं तो कहता हूँ फिर से वही, सेकंड ईयर में भी हमारी एक्सपेक्टेशन सेम आएंगी, सेकंड ईयर में भी हमारी क्योंकि परसेंटेज तो थोड़ा चेंज हुई है, तो 2,754 एम्प्लॉइज पर ही कैलकुलेशन हमारी निकलेगी, और फिर से वही बात होगी इंटू 1,000 इंटू 5 रुपीज पर एम्प्लॉय ऑप्शन। बेटे ये कितना बोलो बोलो कितना, ये जी 4 ईयर्स का, तो इसमें अप टू सेकेंड ईयर कितने का खर्चा है वो हमें निकालना है जी। तो यहां पर कितना आएगा जी, अप टू सेकेंड ईयर मतलब 2 साल 2 ईयर्स का, तो हमारा ये आ गया जी कितना आ गया जी 68,850 68,85,000। इसमें से लेस कर दो बेटे फटाफट से, ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड अप टू फर्स्ट ईयर 34,42,500। तो बेटा बताना जरा इन सेकेंड ईयर कितना यूटिलाइज करेंगे, कितना रिकॉग्नाइज करेंगे, सेम 34,42,500। मैं कह सकता हूं जी यही हमारा एक्सपेंस बुक होगा और यही हमारा पीएनएल में भी जाएगा। उम्मीद है आपको ये बात क्लियर है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ बेटे क्योंकि इसमें सेम अमाउंट आएगी जो फर्स्ट ईयर वाली है। आइए मैं थर्ड ईयर पे चलता हूँ जहाँ थोड़ा चेंज है। थर्ड ईयर में क्या होगा, पहले ग्राफ पे आओ जल्दी से, पहले ग्राफ देखो। अब थर्ड ईयर में बात होगी बेटे एक्चुअल की, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, जो हमारा एक्सपेक्टेड था वो एक्चुअल में बदल गया, यानी कि अब हमें आगे देखने की जरूरत नहीं होगी। तो जरा बात करना फटाफट से, ईयर नंबर थर्ड, ईयर नंबर थ्री, मेरे साथ साथ नोट करो। हाँ जी फटाफट से, थर्ड ईयर में बेटे एंट्री तो सेम रहेगी, पहली एंट्री भी और दूसरी एंट्री भी। अब बात करते हैं फटाफट से बेटे कैलकुलेशन की, खत्म, अभी जल्दी से खत्म करते हैं, जल्दी करो। कितने एम्प्लॉयज बेटे सेकंड ईयर के, मैं थर्ड ईयर के एंट्री की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 20% सॉरी माइनस 20% माइनस कितना, फिर 15% और माइनस 10% बेटे, जो परसेंटेज सोची थी वही हमारी एक्चुअल है, यानी कि इससे अगले वाले ईयर की बात नहीं होगी। तो हमारे कितने 3060 एम्प्लॉयज आ गए हमारे, अब हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से कितने एम्प्लॉयज पहुंचे वहां पे बताओ, 3060। यानी मैं कह सकता हूँ हमारा जो एक्सपेंस है, हमारा जो थर्ड ईयर का एक्सपेंस है, ईयर नंबर थर्ड जो है उसका जो एक्सपेंस है वो कितना आएगा, 3060 एम्प्लॉयज पर 1,000 शेयर्स के हिसाब से, 5 रुपए पर ऑप्शन के हिसाब से टोटल खर्चा कितना बनता है बेटे, 3 ईयर्स का। ये खर्चा भी तो अब 3 ईयर्स में बटेगा, अब ये 4 ईयर्स में डिवाइड करने लगना, क्योंकि 4 ईयर्स से तब डिवाइड कर रहे थे जब हम 4 ईयर्स का सोच के चल रहे थे। तो ये हमारा कितना आ गया बेटे, 153 लाख। इसमें से घटा दो लेस, ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड अप टू सेकेंड ईयर, ऑलरेडी हम लोग पीएनएल में कितना रिकॉग्नाइज कर चुके हैं उसको यहाँ पे घटा दो, तो आ जाएगा हमारा क्या, टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में कितना रिकॉग्नाइज करना बेटे, ये हमारा आ जाएगा, प्लीज जल्दी से नोट कीजिए कितना आ गया ये, यहाँ पर कितना रिकॉग्नाइज कर रखा है अभी तक हमने, 68,85,000, 2 साल में ये हुआ, यानी कि 84,15,000 हमारा थर्ड ईयर में आएगा, और यही बेटे हमारा कहाँ जाएगा, खर्चा बुक होगा और पीएनएल में जाएगा जी। ओके चलिए यहां तक बात ओके है। चलिए अब हम क्या करेंगे बेटे, ये आ गया कितने एम्प्लॉयज का, ये आ गया 3060 एम्प्लॉयज का। अब क्या हुआ बेटे इसके बाद में, देखो जरा फटाफट से, इसके बाद में क्या हुआ, जो हमारे एक्सपेक्टेड टू रीच है यहाँ पे, थर्ड ईयर में ही हमारी सारी कहानी हो गई। हाँ
अब यहाँ पर इसके बाद में क्वेश्चन है, मैं बोला कि जी 1200 एम्प्लॉइज ऐसे थे जिन्होंने ऑप्शन को एक्सरसाइज किया एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर, और 1600 ऐसे थे जिन्होंने एंड कब किया फिफ्थ ईयर में, और 200 ऐसे थे जिन्होंने सिक्स ईयर में, और 60 ने तो छोड़ दिया। तो पहले में क्या करना है, फोर्थ ईयर एंड की एंट्री, फिर फिफ्थ ईयर, फिफ्थ सिक्स ईयर। आइए जरा फटाफट से लिखें, करो जी फटाफट से, और हेडिंग डालो जैसे ईयर थर्ड था ऐसी, बेटे अब हमारा आ गया ईयर नंबर फोर। जल्दी लिखना ईयर नंबर फोर, बताओ कितने एम्प्लॉइज की कहानी है यहाँ पर। यहाँ पर है 1200 एम्प्लॉइज के लिए फोर, बेटा तेजी से लिखो, 1200 एम्प्लॉइज की बात है यहाँ पर जिन्होंने ऑप्शन को एक्सरसाइज किया। क्या एंट्री की जी इन्होंने बेटे, एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट। भाई 1200 एम्प्लॉइज का हिसाब किताब लगाया, 1000 शेयर्स खरीदने का ऑप्शन है और 50-50 रुपए में खरीदेंगे, यानी कितने 600 लाख, यानी कि 6 करोड़। बेटे ईसोप कितना है इनका, भाई यहीं से लगा लेते हैं भाई, 153 लाख का ईसोप जो है वो कितने एम्प्लॉइज का है, 3060 का है, तो उसमें से इन 1200 के हिस्से का कितना है बेटा, ये आ गया हमारा 60 लाख। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, मैं वेट कर रहा हूं कि आप इसे नोट कर रहे होंगे, 1200 एम्प्लॉइज पर 1000 के हिसाब से। बेटे मैंने आपको टाइम दिया था, वो इसीलिए दिया था ताकि आप इन प्रॉब्लम को समझ सके कि कहीं पे कोई डाउट आएगा। अब मैं फटाफट से सॉल्यूशन करा रहा हूँ, मैच करते चलो। और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, आज खत्म होना जरूरी है इसलिए थोड़ा सा मैंने स्पीड पकड़ लिया है, क्योंकि बेटे अगली क्लास में हमें अगला टॉपिक शुरू करना है। ये तो मैं आपको ना एक्स्ट्रा कराए जा रहा हूँ थोड़ा सा, वरना ये टॉपिक तो पिछली क्लास में खत्म हो गया था। फिर बेटे ईयर नंबर फोर के बाद में अब कौन सा ईयर आया हमारा, ईयर नंबर फाइव। ईयर नंबर फाइव के एंड में किसकी बात होगी जी, 1200 के अलावा जो अगले एम्प्लॉइज हैं, कौन है जी 1200 के अलावा, अब हुई 1600 एम्प्लॉइज जिन्होंने ऑप्शन को एक्सरसाइज किया, एक्सरसाइज्ड ऑप्शंस। हाँ जी एंट्री करो जी जल्दी से, बैंक अकाउंट डेबिट, और क्या होगा बेटे बोलो, ईसोप अकाउंट डेबिट, भाई मेरे से आगे आगे करो, टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बेटे बताना जरा कितने एम्प्लॉइज, 1600, हर एम्प्लॉय को कितने 1000 शेयर्स खरीदने का ऑप्शन, कितने कितने रुपए का 50, अभी जो हमने किया उसको कॉपी पेस्ट करना है बस, जैसे 1200 का किया ऐसे इनका होगा। लो जी 3060 इनटू कितना 1600, इधर 1600 एम्प्लॉइज 1000 और 10-10 रुपए की फेस वैल्यू, 1600 एम्प्लॉइज 1000, पता है बेटे 45-45 रुपए का प्रीमियम, 55 रुपए की बात थी ना अपनी। बेटा आप कैलकुलेटर चला लेना बाद में, मैं थोड़ा सा जल्दी में हूं अभी, जल्दी जल्दी करो, मैं चाहता हूं आपके लिए ना क्लास की ड्यूरेशन बस 1.5 घंटे से ज्यादा की ना हो, ताकि आपको भी पढ़ने में मजा आए, सीएस वालों के लिए हमेशा छोटी क्लास होती है। नेक्स्ट है हमारा ईयर नंबर सिक्स, ईयर नंबर सिक्स के एंड में भी ऑप्शन एक्सरसाइज किया गया, ईयर नंबर सिक्स के एंड में कितने एम्प्लॉइज ने ऑप्शन एक्सरसाइज किया, हाँ जी 200 एम्प्लॉइज। एक्साइज ऑप्शन बेटे बिल्कुल ऐसे ही कैलकुलेशन 200 की होनी है, तो फटाफट से कर दो मुझसे आगे आगे, करते रहो मुझसे आगे आगे, फिर से वही कहानी रिपीट हो रही है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेनी है। 200 इंटू 1000 इंटू बोलो क्या 50, कितना 100 लाख, यानी कि 1 करोड़। फिर बेटे क्या आया हमारा यहाँ पे, ईसोप डेबिट हुआ 153 लाख डिवाइडेड बाई 3060 एम्प्लॉइज इंटू 1200, कितना हो गया बेटे 10 लाख।
फिर क्या होगा बोलो, इक्विटी शेयर कैपिटल 200 × 1000 इंटू 10 रुपए। बेटा ये क्लास में एक्स्ट्रा लगा रहा हूँ आपके लिए 20-20 में, ताकि आपको मैं ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करा सकूं, वो भी स्पीडली। सिर्फ एक क्वेश्चन हमने इतनी स्पीड से कर रहे हैं हम लोग, वरना बाकी सारे क्वेश्चन में कहीं भी हमने जरा सी स्पीड बढ़ाई नहीं। अब बेटे स्पीड बढ़ाने का टाइम है, अब नहीं तो क्या एग्जाम के बाद। आओ जी, कितना आ गया जी, 90 लाख। फिर हम चले बस लास्ट, खत्म खत्म खत्म। बोलो किसके लिए बात है अब ये, 60 एम्प्लॉइज के लिए, जिन्होंने ईसोप का ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया। क्या हुआ बताओ? सर कंपनी के मजे आ गए, उसका प्रॉफिट जो उसने ईसोप में डाल रखा था वो वापस ले जाएगी जनरल रिजर्व में। करो बेटे खत्म, ईसोप अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। बेटे कितने रुपए का था, कैलकुलेशन करके बताता हूँ मैं ये भाई, 153 लाख जो है, यानी कि आओ जी ये कितने का था, 3060 एम्प्लॉइज का था। तो बेटे इसमें से 60 एम्प्लॉइज का बताओ, ये आ गया जी 3 लाख रुपए। तो 3 लाख रुपए का जो ईसोप बनाया हुआ था एक्स्ट्रा, वो चला गया वापस से जनरल रिजर्व में कंपनी। आ गया मजा, थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी जरूरी है बेटा, इसलिए थोड़ा सा मैंने लास्ट वाला क्वेश्चन स्पीड से कराया। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अगले क्लास में भी बेटा सिर्फ प्रैक्टिस की बात करेंगे। अगली जो क्लास है उस क्लास के अंदर हमारा एक नया टॉपिक शुरू होगा, ठीक है? चलिए देन, ओके देन, बाय बाय बच्चों।